लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते डॉक्टर साहब, अब मेरी बहन कैसी है? मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की मगर मगर क्या? आप जल्दी जाइए उनके पास। बैठ के मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर रही हूँ भैया, मेरे मरने के बाद। ऐसे न कहो रुक्मिणी, तुम अच्छे हो जाओगे। मुझे मालूम है अब मैं कभी इस बिस्तर से न उठ सकूंगी, पर यह अच्छा ही होगा। मेरे पति ने मुझे एक दिन भी चैन से कभी जीने न दिया, मरने के बाद तो उसके जुल्म से छुटकारा पा सकूंगी। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने ही तुम्हें उस हत्यारे के पल्ले बांधा था। मुझे क्या मालूम था कि वो बदमाश खूनी और लुटेरा निकलेगा। मैंने तेरा जीवन नरक बना दिया रुक्मणी, तेरा दोष मेरा ही है। दोष मेरे पिछले जन्म के पापों का है भैया, बस इतना वचन दे दो मेरे इस बच्चे पे इसके पिता की छाया भी न पड़ने दोगे, फिर मेरा दम आराम से निकल सकेगा। मैं वचन देता हूँ रुक्मणी। रुक्मणी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा बनाकर पालूंगी। हम उस पापी राणा को मालूम ही नहीं होने देंगे कि उसका बच्चा है। राम राम। रुक्मणी, तेरा जन्मदिन है, जल्दी आइएगा। अरे भाई, इसीलिए तो काम काज छोड़कर जल्दी चला आया हूँ। लो बेटा, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डैडी। और अनिल के लिए क्या लाया? अरे भाई, बर्थडे तुम्हारा है या अनिल का? और अनिल, तुमने ये टीका क्यों लगाया है? भैया का हैप्पी बर्थडे। जाओ खेलो। तुम जिस तरह से प्रीतम को पाल पोस कर बड़ा कर रही हो, कौन मानेगा कि तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? आज तक प्रीतम और अनिल में मैंने कोई फर्क नहीं समझा। सरकार आपसे कोई मिलने आया है? कौन हो तुम? मुझे पहचाना ठाकुर? राणा,
तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो उम्र कैद काट रहे थे और अभी तो सिर्फ 6 साल गुजरे। जेल तोड़कर आया। रुक्मिणी कहाँ है? तुम्हारी बीवी गुजर चुकी है। जब मुझे जेल हुई थी तो वो गर्भवती थी। मेरा बच्चा कहाँ है? वो भी चल बसा। बहुत अच्छे, एक ही साथ दोनों बंधनों से मुक्त हो गया। 25,000 रुपए मेरे हवाले करो। बॉर्डर क्रॉस करने का सब इंतजाम कर चुका हूं। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, जल्दी करो। 25,000 रुपए तो क्या, मैं तुम्हें 25 पैसे भी नहीं दूंगा। अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ। मैं रुपए लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से। और खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधी तरह रुपए निकालते हो या उतार दूं इसे सीने। नहीं, नहीं, नहीं। भगवान के लिए ऐसा न करना। आप रुपए दे दीजिए इसे। रुपए मैं इसे हर किस नहीं दूंगा, भले ही मुझे चाकू मारते। वैसे इस हार से भी काम चल जाएगा। खबरदार, एक दो चाकू नहीं तो गोली मार दूंगा। आपने बड़ा अच्छा किया कि टेलीफोन कर दिया, हम तो इसकी तलाश में थे। इंस्पेक्टर साहब, अब ये आपका काम है कि ये खूनी दोबारा जेल से न भागने पाए। बेफिक्र रहे, इसके जीते जी तो हम इसे निकलने नहीं देंगे। ले चलो इसे। ठाकुर, तुमने मुझे धोखे से पकड़वाया। मैं तुम्हें चेतावनी दे जाता हूँ कि अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम राणा नहीं, मैं इस घर को फूंक दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर, मैं इसका बदला लूंगा। डैडी, ये आदमी कौन था? बेटा, ये बहुत बुरा आदमी था, लेकिन तुम डरो नहीं, पुलिस अब इसे हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। डैडी, ये फिर आएगा, मैं इससे मारूंगा। चलो बेटे, अब खाना खा लो। चलो लो बेटे, रोटी लो। हाँ, पहले अनिल को दो। नहीं भैया, पहले तुम लो। नहीं, हम दोनों आधे आधे करें। लो। तुम दोनों की बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। आज तक रोटी बांट कर खाते। अरे बेटा प्रीतम, वो बैरिस्टर सिन्हा अपनी बेटी शरण के लिए तुम्हारी मर्जी जानने के लिए बेचैन है। 3-3 चिट्ठियां लिख चुके हैं वो। माँ, मैं शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ अभी शादी के लिए। पहले अनिल की शादी कीजिए आप। शादी पहले बड़े भाई की होती है। अरे मैं बड़ा नहीं हूँ, सिर्फ लगता बड़ा हूँ। माँ अनिल, जल्दी कर बेटे, तेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। माँ, तुम लोगों को यहाँ छोड़कर मेरा अकेले मुंबई जाने को बिल्कुल जी नहीं करता। मुंबई जाकर पढ़ेगा नहीं तो क्या मेरी तरह उज्जड़ बनेगा? भैया, मैं तुम्हारी तरह बन सकूं तो मुझे और क्या चाहिए? आप भी कमाल के आदमी हैं। शरण ने कहा कि जब तक वो प्रीतम से मिल नहीं लेगी, शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, और आपने झट उसकी बात मान ली और उसे अकेला कोचिंग भेज रहे हैं। अकेला जाने में क्या डर है मम्मी? जिस देश के प्रधानमंत्री एक स्त्री हो, वहाँ की लड़कियाँ क्यों डरे? और फिर रही बात मेरी पसंद की, इस बारे में तो कानून भी मेरे साथ है। बेटी जब बालिग हो चुकी हो तो उसकी शादी सिर्फ माँ बाप की पसंद से नहीं की जा सकती। पापा तो वकील है, इनसे पूछ लो। ये कानून जरूर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लड़की देखने में ही बालिग है या अक्ल में भी। पापा, आई प्रोटेस्ट। कोर्ट में जज साहब को पापा नहीं कहते। सॉरी योर ऑनर, लेकिन ये बात का फैसला तो लड़की कर सकती है कि लड़का उसके काबिल है या नहीं। ये क्या कह रही हो शरण? कोर्ट में जज साहब भी डिफेंडेंट को शरण नहीं कह सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। अदालत ये जानना चाहती है कि कोचीन में डिफेंडेंट किसके यहाँ ठहरेगी और कहाँ रहेगी। आपके दोस्त की बेटी डॉक्टर छाया दत्त के यहाँ, जो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। परमिशन ग्रांटेड। अदालत चूंकि छाया के बारे में बिल्कुल भूल गई थी, इसलिए जुर्माने के तौर पर इस ट्रिप का सारा खर्चा जज साहब खुद अदा करेंगे। बोलो कितने रुपए चाहिए? बस 100 के 3 नोट दे दीजिए। ये। ओह पापा, यू आर डार्लिंग। बाय मम्मी। आपने बहुत सर चढ़ा रखा है इसे। एक भी मक्की नहीं। क्या करता है? अयो, गड़बड़ हो गया जी। हम मक्की मारता था, हम समझे मक्की का बाप आया इसलिए मार रहा। बैठो बैठो सर जी। जरा दाढ़ी ऊपर करना सेठ। सर रखो सेठ। बोलो सेठ, अब क्या काटने? बाल को हाथ मत लगाओ, सिर्फ मूछ कम करना है। ये अच्छा सेठ, बाल को हाथ नहीं लगाना, मूछ कम करना, इसका क्या मतलब? पानी में रहना, गिल्ला नहीं होना। बोला
जितना हम बोलता है उतना करो, बाल को हाथ मत लगाओ, सिर्फ मूछ काटो। मतलब क्या, सर का बाल नहीं काटना, खाली मूछ काटना? अच्छा सर, अच्छा। क्या करता है? ओ सेठ, आपका मुच्ची का बाल में, दाढ़ी का बाल में बहुत मारा मारी, आपका मुंह किधर हमको दिखता नहीं, हम देखता हूँ। अयो अयो, मिल गया सेठ, जरा मुंह खोला खोला। अच्छा शाबाश, एक मिनट। ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं सेठ, ये पार्टी चले सेठ, और ये लगाने से हमको मालूम होएगा ऊपर का बाल मुच्ची का बाल, नीचे का बाल दाढ़ी का बाल। एक मिनट ठहरो सेठ, एक मिनट। अब आप सो जाना सेठ, सो जाना, शाबाश शाबाश, सो जाना। सफाचट, जल्दी करो। ये क्या तुमको भी बाल काट लेगा जी? उफ़, तुम समझते क्यों नहीं सफाचट, बाबा बाबा मेरी शादी किसी और से कर रहे हैं। क्या बाबा तुम्हारा शादी किसी और से करता? हाँ सफाचट, वो लोग आज हमारे घर आए थे। घर में आया था तुम्हारे? वो लोग मुझे पसंद भी कर गए। वो पसंद कर गया तुमको? हाँ, अब बाबा की उनकी लेन देन की बात चल रही है। बाबा का लेन देन का बात चलता? वो लोग बहुत मालदार है सफाचट। मालदार वो लोग? अगर तुमने कुछ जल्दी नहीं किया तो बाबा मेरी शादी उनके साथ कर देंगे। या गौरी, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारा शादी दूसरी जगह करेंगे तो हम उसका बाल ऐसा खच्चे 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 खच्चे। मर गया, ये बोला था सर का बाल मत काटना, अभी ये उठ का हमको काटेगा जी। क्या होगा? देखो तुम्हें का काम करो, वो कबाट में गम का बाटल जल्दी सिलाओ। गम गम, ये बाल, ये बाल, ये लो, इसको खोल जी। बोला अभी क्या करूं? अब तेल का माफक इसका सर पर डालो, डालो जी ऊपर, शाबाश शाबाश, ऊपर ऊपर। ये एक मिनट, फर्स्ट क्लास जी। अब देखो, चेट, अब देखो चेट, आपका मुच्ची कैसा हो गया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड। सेठ क्या पैसा कहते हैं ना सेठ, पैसा। ये लो पकड़ो इसे। अच्छा सुनो, शाम में मिलोगे ना? किधर? उधर है। अच्छा, यो मिलेगा। नी ननिकरे ना अयोग्य अदू तपू ना उन्नई खादलिखरे नेशिखरे नेशिखरे मुत्ताम कुडु। हमने ये सोच कर प्यार किया, हमने ये सोच कर प्यार किया, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा। हमने ये सोच कर प्यार किया, हमने ये सोच कर प्यार किया। थोड़ी सी एक दिन हमने शराब पी ली, आने लगा जो मजा वो बेहिसाब पी ली। थोड़ी सी एक दिन हमने शराब पी ली, आने लगा जो मजा तो बेहिसाब पी ली। टूटा कुमार जब आया खयाल तब, आंखों से यार ने जो मुझको पिलाई थी, ऐसी शराब कोई ऐसा कोई जाम नहीं, नहीं 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 नहीं। हमने ये सोच कर प्यार किया, हमने ये सोच कर प्यार किया, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा। हमने ये सोच कर प्यार किया, एक दीवाने से ये हमने सवाल किया, सूरत बना ली कैसी
कैसा ये हाल किया, पाओ अयो पाओ यक दीवाने से ये हमने सवाल किया, सूरत बना ली कैसी कैसा ये हाल किया, बोला फकीर हूँ फिर भी अमीर हूँ, दुनिया को बेच के प्यार खरीदा मैंने, बंदा हूँ प्यार का किसी का गुलाम नहीं, नहीं 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 नहीं, हमने ये सोच कर प्यार किया, हमने ये सोच कर प्यार किया, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा, प्यार से अच्छा कोई काम नहीं अयो अम्मा, हमने ये सोच कर प्यार किया, हमने ये सोच कर प्यार किया, नहीं 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 नहीं, अयो अयो गौरी अयो। गौरी हमारा तुम्हारा शादी होएगा ना तो बहुत मजा आएगा। गौरी देखो सफाजट, तुम तो जानते हो बाबा ने कितनी बार कहा है जब तक 10,000 रुपए नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा। अयो हम दाढ़ी बाल बनाने वाला है तो हमें 10,000 रुपए कहाँ से लाना जी? मुझे नहीं मालूम, तुम कुछ भी करो लेकिन लाओ। गौरी मर गई बाबा, पानी के अंदर आ जाओ जी, मैं आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, आ जाओ। अरे सब जगह मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखते नहीं बाबा स्नान कर रही हूँ। अरे अरे दिन में कितनी बार स्नान करती हो? अब दो बार करते थे गंदा नहीं। अरे सफाजट मेरी बेटी गौरी किधर है? अरे बाबा यहाँ तो खड़ी हूँ, क्या हो गया है तुमको? अरे फिर वो कमीना सफाजट किधर गया? ये कमीना तेरा बाप हुआ? अरे क्या हो गया है मेरी आँखों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी गौरी कभी सफाजट। बाबा लगता है तुमने दादा पी रखी है, जाओ यानी घर में सो जाओ। हाँ मुझे जाके सो जाना चाहिए। सफाजट अभी पकड़ा तेरे को, अभी गौरी से उड़ा दो। अरे तू क्या? अयो देवता प्रीतम बाबू मेरे को बचा रहे जी, वो चौकड़े का बाबू गोली मारने के लिए मेरा पीछे पीछे आता जी, वो दुनिया बेवड़ा है। अरे सफाजट के बच्चे छह गोली तेरे सीने में खत्म कर दूंगा। क्या बकता है बुड्ढे? प्रीतम बाबू मैं समझा सफाजट, आप यार क्या कर रहे हैं? देखता नहीं शेव करा रहा हूँ। शेव करा रहे या शेव कर रहे है? फिर पी रखी है तूने, इतनी पीता क्यों है तू कि देखता कुछ और दिखाई कुछ और देता तुझे? जा घर जाकर सो जा और सुबह तक बिस्तर से उठना नहीं। जा जाता हूँ, जाता हूँ। सलून तो सफाजट का ही है, फिर मैंने अंदर प्रीतम बाबू को शेव कराती नहीं करती कैसे देखा? इसका मतलब मेरा रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है। बेटा इधर आ, एक जोर से लात मारो। क्या? एक जोर से लात मारो, अपने बाप का माल है। इतने जोर से नहीं, इसका मतलब मैं नशे में नहीं हूँ, अंदर ही कुछ गोलमाल है, जाके देखता हूँ। वो दुलिया को कितना बड़ा डैम पुल बनाया आप, अभी बराबर पकड़ा। पकड़ा क्या बकबक करता रहे? तुम प्रीतम बाबू नहीं सफाचट हो, अभी अभी तुम मेरे लड़की गौरी के साथ तालाब में नहाता था, स्विमिंग क्यों? ये क्या तुम दिन में दारू पी के आके ऐसा बात करता तुम? आज तुम बोलता हम तुम्हारा चौकरे के साथ पानी में नहाता था, हाँ। कल तुम बोलेंगे हम तुम्हारा चौकरे के साथ एक ताली में खाना खाता था, हाँ। परसों तुम बोलेंगे हम तुम्हारा चौकरे के साथ में बागीचे में। बस 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 क्या बस बस बताऊं? बागीचे का नाम लिया तो बस बस करता। तुम कैसा आदमी जी, हमारा इज्जत को खराब किया, अपना सगा बेटी का इज्जत को भी तुम खराब किया। तुम आदमी का अंडा? क्या अंडा बोला जी, है खाने का तीन वो भी सड़ेला। गोली मार तुम देवता। क्या रे ये नकली बंदूक से तुम कैसा गोली मारेगा? हम कैंची से तेरा गोली को काट के रख देंगे जी। तुम नकली बंदूक चला के हमको डराया, तुम नकली आदमी को पकड़ता, नकली दारू पीता तुम असली बेटे का नकली बाप क्या असली बाप? क्या तू क्या रे अभी तक यहाँ से? अभी काटता हूँ। क्या तेरी जुबान इतनी टेढ़ा करती है? भाई यहाँ से जाता हूँ। ये अपनी बेटी की शादी तेरे साथ क्यों नहीं करता? प्रीतम बाबू हम बाल काटता ना ये धंधा उसको पसंद नहीं, वो पैसे वाला आदमी मांगता है, स्मगलर। हम भी एक दिन स्मगलिंग करेंगे, माल नहीं उसका चौकरी को स्मगल करेंगे। गुरुजी गुरुजी जल्दी चलिए। क्या हुआ? दुखिया की माँ बहुत बीमार है। अच्छा चलो। हे भगवान ये प्रीतम बाबू कितना अच्छा आदमी, गरीब लोग को कितना मदद करता, उसको हर मुसीबत से बचाना मुर्गा बचाना।
चाची तबीयत कैसी है? हम गरीबों का एक तू ही तो सहारा है बेटा, बस तू आ गया अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा चाची, फिक्र मत। अरे बुखार तो बहुत तेज है, डॉक्टर क्यों नहीं लेकर आए? मैं उनको लेने के लिए गया था, डॉक्टर साहब शहर गए हुए हैं। तो वो कोई नई लेडी डॉक्टर आई है ना, उसे लेकर आ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकर ही आना, समझे? समझ गए। घर में कोई है? डॉक्टर छाया देवी तो हॉस्पिटल जाको है जी। मैम सिन्हा। अयो नमस्कार, आपका टेलीग्राम मिलिया, मारा डॉक्टर मैम सब ब्रह्मो खुश हुआ जी, हमको बोल लिया आपका आना हम बिठाना, आपका सामान किधर जी हम अंदर लाना। सामान बाहर है। अयो चलो हमारे साथ। देवी जी चलिए। कहाँ? जहाँ हम ले चले, आपको हमारे गुरुजी ने याद किया है। कौन हो तुम लोग? देखिए ये बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, आप सीधी तरह से चलिए नहीं तो हम तय हो करके ले जाएंगे। क्या बकते हो, गिरा फामिया। बेवकूफ कहेगा, औरत बातों से थोड़ा ही मानती है, औरत को चाकू से मनवाते हैं। चलो लीजिए गुरुजी, सीधी तरह आने के लिए राजी नहीं होती, इसलिए तय हो करके लाए हैं। इन्होंने बताया नहीं कि मैंने बुलाया? चाची बीमार है, जल्दी से इन्हें ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, समझे? वाह, मैं पूछती हूँ तुम लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करा के तुम सबको बंद करा सकती हूँ, तुम मुझे जानते नहीं। बकवास बंद करो, इलाज शुरू करो। किसने सिखाया नहीं तुम्हें एक शरीफ लड़की से किस तरह बात की जाती है? तुम बेटा ये वो लेडी डॉक्टर नहीं है, ये तो कोई और ही है। इन बेवकूफों ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि इन प्यारों की बेवकूफी की वजह से तुम बच गई, नहीं तो मुझ पर हाथ उठाने के बाद तुम्हारे घर वालों को तुम नहीं तुम्हारी खबर मिलती। कल सुबह सूरज निकलने से पहले पहले तुम यहाँ से दफा हो जाना, मैं तुम्हारा ये नाक और कान काट कर गधे पर बैठा कर शहर भर में जुलूस निकलवा दूंगा, समझे? तुमने क्या अपने बाप का राज समझा है? हाँ फिर कभी मेरे मुंह लगे तो जूते देखिए। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? एक थप्पड़ ही तो मारा है, शुक्र करो मैंने उसका सर नहीं फोड़ा। अरे गधे, वही है प्रीतम ठाकुर साहब का लड़का जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह नो, क्या बक रही हो, वो तो एकदम उजर गवार है, बिल्कुल जंगली। देखने में वो कैसा भी हो लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। कहते मैम साहब आपको डॉक्टर भी बोला था जी, वांगे वांगे। ये रहा माल का चलान, ए ग्रेड पास करा के रसीद ले लेना वहां से, समझे? जल्दी से रखो। ये तार आया सरकार, आपका टेंडर पास हो गया। पास हो गया? डैडी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। गुरुजी, 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 वो अभी तक नहीं गई। कौन नहीं गई? वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था। नहीं नहीं नहीं, जो हमें थप्पड़ मारने लगी थी और आपने उसे बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया था, वो अभी तक नहीं गई। ताड़ी तो नहीं पी रखी तूने? नहीं गुरुजी, मैं ताड़ी नहीं पी, उसको ताड़ कर आया हूँ। वो शहर की बिल्ली अभी तक नहीं गई। प्यादो वो लड़की कहाँ है? जी वो लड़की कहाँ है? जी जी वो तो चली गई। चल अंदर रखते हैं। वो लड़की को गुरुजी, लड़की बाथरूम से भागी। क्या बकती हो? और ये बोली कौन सी बोल रही हो? है घाघरा चोली बदलकर शहर की बिल्ली गांव की लड़की बन गई है। तुम क्या बोलो था बाबूजी, हमार बुद्धि में नहीं पड़ता है। हमको उल्लू नहीं बना सकती शरण। शरण? हमार नाम बिंदिया है, बिंदिया। बिंदिया? हाँ। लेकिन तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल शरण जैसी। हाँ बाबूजी समझ गए हो,
तुम जरूर हमारी बहना को देखे हो। शरण हमारी जुड़वा बहना है। जुड़वा बहन? हाँ बाबूजी, ओ और हम पहले बहुत गरीब रहन, पीछे उनका एक अमीर परिवार में गोद ले लेन, उनका पढ़ाएं लिखाएं एकदम मेम सरीका बनाएं। हम गरीब का गरीब ही रहन, हमारी माँ का स्वर्गवास हुए गवा, हम शरण के पास कुछ पैसा कौड़ी मांगने गए रहन, वो हमका धक्का दे के हमका जलील करके घर से बाहर निकाल देन। बिंदिया हो है? शरण की बहन, बिंदिया जमीन आसमान का फर्क है, वो इतनी घटिया लड़की है, इतनी बेकार लड़की है। बापू जी जरूर उसने आपकी बेइज्जती की होगी। बापू जी हमका कोई काम दिला दो, भगवान तो हर भला करी। हाँ, तो काम जरूर दिलवाएंगे हम। ऐसा करो तुम हमारे ऑफिस में आ जाना, ठाकुर मर्चेंट्स के लिए पूछना, मेरा नाम प्रीतम है। का नाम बताया बाबू जी? प्रताप? प्रताप नहीं, प्रीतम। नाम हम कभी सुने नहीं बाबू जी, का मतलब है? प्रीतम का मतलब है बालम साजन प्यार, तुम्हें से कोई मतलब नहीं है, ऑफिस में आ जाना काम दिलवा दूंगा। बड़ा आया काम दिलाने वाला साला। ए, मेरे कपड़े चुरा के तूने पहन लिए? अरे बाबा ठहरो, मैं सब समझा दिया। अरे चल थाना। आखिर पकड़ी गई ना, बोलो कब से उस चोरी के धंधे में? प्रीतम बाबू आ रहे हैं जरा, वो आपको बता देंगे मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर ही नहीं हो बल्कि झूठी भी हो। तुमने कहा कि प्रीतम बाबू तुमको जानते हैं, हमने उनके पास आदमी भेजा, अगर वो तुमको जानते तो आकर छोड़ा ना ले जाते। कल को तो तुम कहोगे कि तुम मुख्यमंत्री को भी जानती हो। 913 यस सर। मानते हो हमारी काबिलियत को? हम एक नजर में भाप गए कि ये लड़की चोर है। वाह हुजूर, दाद देता हूँ आपकी नजर की। थैंक यू। नहीं नहीं, विश्वास करो हमने चोरी नहीं किया। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीतम बाबू, आप इस लड़की को जानते हैं? बिंदिया अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुमने सच में चोरी की? बाबूजी तुम तो जाने हो मैं कितनी गरीब लड़की हूँ। हाँ, हाँ। वो बेरी के झाड़ी में फंस के मेरी घाघरा चोली फट गई रही। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लड़की के कपड़े चुरा ली। सोचा था नवा घाघरा चोली खरीद के उसके कपड़े उसको लौटा दूंगी। सोची तो सही, कोई ये बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा, मैं मानता हूँ कि लड़की बिल्कुल सच कह रही है। और यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कोई माने के ना माने, मगर मैं मानता हूँ कि लड़की बिल्कुल सच कह रही है। कागज पे कुछ दस्तखत करा लीजिए, मैं लड़की को साथ ले जा रहा हूँ। नहीं ले जाइए, दस्तखत क्या, कोर्ट भिजवा दूंगा। जरूर जरूर। 913 यस सर। हर मानते हो मेरी काबिलियत को? हमने एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये लड़की चोर नहीं है बल्कि गरीब है। इसीलिए तो दाद देता हूँ आपकी नजर की। थैंक यू थैंक यू। इसे पैक कर देना। प्रीतम बाबू मैं कैसे लगूं? ये लीजिए आपकी चेंज। ऐसे का देखो बाबूजी? तुम्हें देखकर मर जाने को दिल करता है। कहाँ? वो तुम्हारी बहन है ना शरण, उसे देखता हूं तो जान से मार डालने को दिल करता है, और तुम्हें देखता हूं तो मर जाने को दिल करता है बाबूजी। अच्छा तुम मिल गई, अब मेरे भैया की मुराद पूरी हो जाएगी। कहाँ? तुम मुझे अपने भैया के लिए लकी समझता हूँ, वरना उस बेचारे की शादी कैसे होती? वो कहता है जब तक मैं शादी ना कर लूं वो शादी नहीं करेगा, और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा मतलब है कि अब से दो मिनट पहले तक कोई इरादा नहीं था, और अब? अब इरादा ही नहीं, फैसला कर लिया हमने। लेकिन बाबूजी मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मेरा कौन धरा है? अरे मैं जो तुम्हारे पास हूँ, और फिर गरीब वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो सुंदरता की दौलत ही दौलत है। आओ चलें। बाबूजी अपना पैकेट तो लेते जाइए, जीप में भिजवा देना। गौरी आज के बाद तुमने घर के बाहर पैर निकाला तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हारी शादी उस आदमी के साथ पक्की की है क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो आदमी मालदार है। बाबा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे मरना तो एक दिन सभी को है, अगर तुम कुंवारी मरोगी अच्छा नहीं है, तुम सुहागन होके मरोगी तो मुझे रुपया मिल जाएगा। रुपया रुपया रुपया, तुम को सिर्फ रुपया चाहिए क्या? तुमको रुपया दारू पीने के लिए चाहिए ना? हाँ हाँ मुझे दारू पीने के लिए। कौन है? तुम्हारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है। आइए आइए खुलिया। मैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम नारियल वाला हूँ। किधर से भी आया?
लेकिन तुम कानूनी दफा 777 पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मगर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए तुमको दफा करने के लिए मैं बहुत बड़ी दफा लेकर आया हूँ। दफा नंबर एक, तुम दारू पीते हो। दफा नंबर दो, तुम छुप कर नकली दारू पीते हो। दफा नंबर तीन, तुम दारू सत्र के हफ्ते में दारू पीते हो। ये तीनों जुर्म की सजा में तुमको 3 साल कड़क और 8 आना भट्टा मिलेगा। नहीं, मगर मैंने अभी दारू नहीं पी। दारू बंदी सप्ताह के पिछले हफ्ते मैंने दारू पी थी। पूछे बेटी से। तुम अपनी बेटी को पट्टी मत पढ़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पे पट्टी बांध दूंगा। मेरे को जो भी पूछना होगा मैं तुम्हारी बेटी से डायरेक्ट पूछ लूंगा। सुंदरी, सुंदरी, इस घर में कुछ शराब वराब है? अरे मैं आंखों की शराब की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब बेड़ा वेड़ा है। नहीं नहीं, समझा। तुम बाप की तरफदारी कर रही हो, कोई बात नहीं। मेरा भी नाम सब इंस्पेक्टर नारियल वाला है। कुत्ते की तरह सुन सुन के दारू का पता निकालूंगा। मिल गया, पर्दे के पीछे घोटाला है। देखा? अरे ढुलिया, मेरे दिल में आटा के तेरा ढोला रख डालू। ये तेरा चौथी सजा है, चौथा जुर्म है, चल थाने। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। है नारियल वाले इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ता है, उसकी इज्जत करता है? ये तेरा पांचवा जुर्म है। नहीं नहीं, मैं अपने आप को हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपके मेरे पापा को माफ कर दीजिए ना। तुम कहती हो तो सुन रही, मैं तुम्हारी जवानी पे तरस खा के इसको माफ करता हूँ। दुलिया पांव छोड़ के ऊपर। हाँ। देखो, ये गंदी वस्तु को नदी के पानी के अंदर डालो। हाँ। और नदी का पवित्र पानी। हाँ। ये बाटली के अंदर वापस डालो और इधर लेकर आओ। अच्छा। जल्दी जाओ और आराम से आओ। हाँ? अरे टमेरे को बोला ना जल्दी जाओ। हाँ। ये गावरी देखो कैसा भेजा उसको, गौरी मेरा दिल बोलता नहीं जाने को, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। गौरी वो बुड्ढा आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गौरी गौरी तुम रात को 9 बजे खिड़की खोलना, और वो खिड़की के अंदर से आके तेरे को मिलेगा। गौरी अगर तेरा बाप तेरा बात नहीं माना, वो खिड़की से मैं तेरे को भगा के लेके जाएंगे। लेकिन याद रखना गौरी, रात को 9 बजे खिड़की खोलना, हम आएंगा। ना पोइट भरे गौरी, ना पोइट भरे। नौ बज गए। बेटी मुझे उस कमरे में नींद नहीं आ रही है, तुम वहां जाके सो जाओ, मैं यहां सोता हूँ। लेकिन बाबा अगर मैं वहां चली गई तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे तुमको नींद नहीं आई तो कल दोपहर में नींद ले लेना, तुम्हारा क्या है, जाओ। मगर बाबा मेरी बात तो सुनो। बात मैं कल सुबह सुनूंगा, अभी तुम जाओ। मगर बाबा। मगर मगर कुछ नहीं, जाती है कि नहीं? जाती हूँ। जाओ। जाती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ जा रही हूँ। जल्दी जा रही हूँ ना बाबा। जाओ उधर, क्या देख रही है, क्या मच्छर आने वाला है? गौरी हम तेरा खिड़की के नीचे आ गया। गौरी जान, थोड़ा सबर करो गौरी, आता है बहुत मुश्किल काम है उतरना, कैसे करना ये सब। गौरी तेरा बाप किधर? वो कमरे में सो गया? अयो उठेगा नहीं ना। चौधरी का चांद, ये तुम आपताब, ये जो कुछ भी बाय गॉड तुम लाजवाब। लेकिन गौरी 2 घंटा पहले मैं तेरे को छोड़ के गया था, सुक्का बोमबिल के जैसा दुबला था, अभी टायर का जैसा फूल गया ना कार को,
रजाई के वास्ते या मेरा आने का खुशी में? गौरी गौरी ठहरो गौरी, मेरा जान बुड्ढा उठेगा नहीं ना? अच्छा गौरी एक मिनट पहनना, ये अंधेरा तो है लेकिन मेरे को डबल अंधेरा पसंद गौरी, ओढ़ लो। क्या हो रहा है? मेरे को क्या मालूम थी क्या हो गया? अय्या सफाचट के बच्चे, फिर कभी आए तुझे सफाचट कर दूंगा। अरे तुम आग से खेल रही हो। जिस रोज प्रीतम को मालूम हो गया कि गांव की लड़की बनकर तुमने उसे बुद्धू बनाया है तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। अरे तू नहीं जानती, वो बुरी तरह मर मिटा है मेरे ऊपर, बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए जरा उसकी बेकरारी और बढ़ने दो, बाद में ये रास्ता मैं उस पर खोल ही दूंगी। छाया अब मैं भी उसे चाहने लगी। अच्छा अब वो तुम्हें बदतमीज गवार नहीं लगता? अब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चाबी दे दो ना अपनी कार की, मैं अभी पोस्ट ऑफिस जाके मम्मी को तार किए देती हूँ कि लड़का मुझे पसंद है। इसी ड्रेस में जाओगी? अगर कहीं प्रीतम ने देख लिया तो? अरे कार में उड़ी जाऊंगी और उड़ी हुई लौट आऊंगी, उसे हवा भी नहीं लगने दूंगी अपनी। बस यूं गई और यूं आई, दे दो ना चाबी। ओफो ये लो बाबा लो। लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली, शेर से लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली। चिड़िया घर में भेज दे इसको कलकत्ते या दिल्ली, बिल्ली जीत रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली, चिड़िया घर में भेज दे इसको कलकत्ते या दिल्ली, दिल्ली जीत रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो। माशा अल्लाह आंखें देखो, माशा अल्लाह आंखें देखो बिल्कुल मकड़ी जैसी हैं। अल्लाह अल्लाह टांगे देखो, अल्लाह अल्लाह टांगे देखो सूखी लकड़ी जैसी हैं। डाल के चूहे दानी में, डाल के चूहे दानी में फेंकाते हैं पानी में, नहीं नहीं दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली, चिड़िया घर में भेज दे इसको कलकत्ते या दिल्ली, दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो। दूध मलाई चोरी का ये, दूध मलाई चोरी का ये खा खा के गुर्राती है, कद है पूरे डेढ़ हाथ का,
कद है पूरे डेढ़ हाथ का, मेरी कमर तक आती है। बिल्टी इसकी करवा दे, बिल्टी इसकी करवा दे, बांस बरेली पहुंचा दे। नहीं नहीं, दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली, चिड़िया घर में भेज दे इसको कलकत्ते या दिल्ली। दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो। नाजुक नाजुक भूरे भूरे, नाजुक नाजुक भूरे भूरे, तन पर हाथ फिराएंगे, गले में इसके बांध के घंटी, गले में इसके बांध के घंटी, इसको डांस कराएंगे, सबको नाच दिखाएगी, सबको नाच दिखाएगी, पैसे चार कमाएगी। नहीं नहीं, दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो शहद की एक बिल्ली, चिड़िया घर में भेज दे इसको कलकत्ते या दिल्ली। दिल्ली ठीक रहेगी। शेर से लड़ने आई देखो। गरम मक्की खबरदार, आवाज की तो चाकू उतार दूंगा। डाय कह दे यार आने, तुम चाकू के आदमी कौन? तुम डाकू मान सिंह। अयो डाकू मान सिंह, ये तो बहुत बड़ा डाकू थी। जय डाकू सर, देखो साहब हमारा नाम सफाचट, मेरा जेब भी सफाचट, मेरे पास कहीं की वस्त्र। पुलिस मेरे पीछे लगी है, जल्दी से मेरी दाढ़ी बाल सब कुछ सफा कर दो ताकि पुलिस मुझे पहचान ना सके। आप जो बोलता मैं साफ करता। अयो 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 बोलो साहब। अयो नहीं बैठो साहब, भूल गया साहब बैठो। एक मिनट अय्या, ये क्या जी, ये चाकू उधर करेगा तो मेरा हाथ रोकेगा ना। हो गया सफाचट साहब, एक मिनट। ये सैलून तुम्हारा है? नहीं तो क्या आपका है हवलदार? व्हाट, आई एम एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। करेक्ट, जो मैं कहता हूँ उसका जवाब दो तुम। हम सवाल नहीं करता साहब, हम तो खाली जवाब देता। आप पूछो। हम पूछो? तुम्हारा नाम सफाचट है? मैं तो क्या, हमारा बाप का नाम सफाचट है। 913 यस सर। इसको फोटो बताओ इसको। सफाचट चट, तुमने इस आदमी को देते थे देखा है? हमने कुछ और देखा जी। साहब आप हिलना नहीं साहब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या नीचे लटकता साहब आपका, मुच्छ के नीचे बड़ा बाल ही है ये साहब। देखो मुच्छ को बैलेंस करना मांगता। आप पुलिस वाला ना, आप मेरा दुकान में आना, हम आपका फ्री हजामत बनाएगा। देखो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तुम इसको जानते हो या नहीं जानते हो? साहब ये फोटो वाला आदमी को देख के तो ऐसा लगता है ये 5 महीना 24 घंटे तक इसका दाढ़ी मुच्छी नहीं बनाया। अगर हमारे पास आता ना तो हम इसको इसका मापक सफाचट करता या टकलो। ये फोटो को देखो जी, ये आदमी को आप जानता? नहीं, जब ये खुद नहीं पहचानता तो हम कैसा पहचानेगा साहब? ओ मिस्टर सफाचट, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत डेंजरस आदमी है। इसका नाम है मान सिंह, ये डाकू है, इसने एक औरत का खून किया है और उसके जेवर लेकर भाग गया है। कभी ये आदमी अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे खबर करना, समझे? अच्छा साहब। इंस्पेक्टर क्या बोला, खबर करना, कुछ समझा? समझ गया साहब, हम आपके बारे में उसको खबर करेंगे तो आप मेरा खबर बना के मेरे को उसका अंदर डालेगा, हम चुप रहेगा। आज भी तुम काम के हो, लो हम तुम्हें एक तोहफा देते। ये क्या साहब, हीरे का हार, हम इसको बेचकर मेरा गौरी के साथ में शादी करेंगे जी। जल्दी करना। ये भगवान, ये डाकू लोग का दिल दरिया और कान समंदर होता है जी, 2-4 डाकू और भेजना साहब। शरण ये क्या नाटक है, क्या बताऊं छाया, मैं खुद उलझन में पड़ गई। शहरी लड़की बनकर सामने आती हूँ तो ये मेरी जान लेने को फिरता है, और गांव की लड़की बन जाती हूँ तो मुझ पर जान छिड़कता है। मगर कब तक इस तरह रोज सुबह 9 बजे शरण से बिंदिया बनकर नदी के किनारे पहुँचती रहोगी? ये सिलसिला आज ही खत्म कर देती हूँ छाया, मैं बिंदिया को मार दूंगी। मुझसे भी अभी नाटक नहीं होता, बिंदिया को तो चिंता कर दूंगी, लेकिन क्या शरण बनकर इसका दिल जीत सकोगी?
अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर उसे शरण के रूप में मुझे स्वीकार करना होगा। आज मैं तेरी हस्ती ही मिटाई देती या मर। बड़ी आई थी बिंदिया बनकर मेरे प्रीतम को छेड़ने। प्रीतम मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझी? खून, 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 अरे खून, खबरदार, खबरदार, हटने की कोशिश नहीं करना। तुमने अभी अभी एक लड़की को पानी में हटा दिया है, मैंने उसके कपड़े भी ऐसे हुए देखे। अरे बाबा नहीं, तुमने गलत समझा है। चल, 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 थाने। अरे नहीं, छोड़ो मुझे। चलो थाने, जाओ। मगर तुम्हारी शक्ल से पता चलता है कि तुम खूनी हो। मैं एक नजर में मुल्जिम को पहचान जाता हूँ। 913 मानते हो मेरी नजर को? हुजूर दाद देता हूँ आपकी नजर। थैंक यू। तुमने अपनी बहन को मार दिया, तुमसे उसकी खुशी उसका प्यार देखा नहीं गया, तुमने उसका खून कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबू आप क्या कर रहे हैं? शरण क्या है? छाया ये लोग मेरी एक नहीं सुनते, प्लीज तुम ही इन्हें बता दो ना कि बिंदिया और मैं दोनों एक ही हैं। प्रीतम बाबू अब मैं इसका असली परिचय तुमसे कराती हूँ। ये है शरण सिन्हा, तुम्हारी मंगेतर। तुमसे शादी करने से पहले ही तुम्हें देखना चाहती थी, समझना चाहती थी। बिंदिया का स्वांग इसने इसीलिए रचाया था। अच्छा तो तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बनाने आई थी? गुरुजी, किसी शरीफ आदमी को धोखा देना जुर्म है कि नहीं? जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। कानून की कोई दफा जरूर लगती होगी। अगर नहीं लगती होगी तो हम लगा देंगे। आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चीटिंग में दफा 420 लगती है। करेक्ट। इंस्पेक्टर साहब, लड़की को जिससे प्यार हो उसका दिल जीतने के लिए अगर वो कोई चाल चले तो क्या ये जुर्म है? कौन कहता है जुर्म है? औरत बीवी हो या महबूबा, चाल जरूर चलती है। बहरूप भरना तो उसका नेचर है। तुमसे शादी करने से पहले ही तुम्हें देखना चाहती थी, समझना चाहती थी। बिंदिया का स्वांग इसने इसीलिए रचाया था। अच्छा तो तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बनाने आई थी? यादव गुरुजी, किसी शरीफ आदमी को धोखा देना जुर्म है कि नहीं? जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। कानून की कोई दफा जरूर लगती होगी। अगर नहीं लगती होगी तो हम लगा देंगे। आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चीटिंग में दफा 420 लगती है। करेक्ट। इंस्पेक्टर साहब, लड़की को जिससे प्यार हो उसका दिल जीतने के लिए अगर वो कोई चाल चले तो क्या ये जुर्म है? कौन कहता है जुर्म है? औरत बीवी हो या महबूबा, चाल जरूर चलती है। बहरूप भरना तो उसका नेचर है। जब वो झगड़ा करती है तो समझ लो कि प्यार करती है, और जब वो प्यार करती है तो समझ लो कि झगड़ा जरूर करेगी। इसमें जुर्म की कौन सी क्या बात? ये जुर्म नहीं कि हिंदुस्तानी औरत अपने होने वाले पति का इम्तिहान ले? बहुत बड़ा जुर्म है। भला हिंदुस्तानी लड़की ऐसा कर सकती है? मेरी बीवी ने मुझे कब देखा था? शादी से पहले औरत का मर्द को देखना इतना ही बुरा है जितना बच्चे का पैदा होने से पहले अपनी माँ को देखना। मर्द तो सबके सब बेवकूफ होते हैं। हाँ, हर औरत की मर्द के बारे में यही राय है। फिर भी औरतें मर्दों से प्यार करती हैं, उनसे शादियां रचाती हैं और उनके बच्चों की माएं बनती हैं। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुमसे जी भर के नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे प्यार की यूं बेकदरी करोगे। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। चलो छाया, जो मेरी भूल थी जो मैं यहाँ आई पत्थर से दिल लगा। चलो छाया। लड़की रो रही थी? हाँ गुरु जी, रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। सारो कतार रो रही थी गुरु जी। मैं फिर कहती हूँ शरण, तुम अच्छा नहीं कर रही हो जिस तरह प्रीतम बाबू को छोड़ कर जा रही हो। नाम भी मतलब उसका। पुलिस स्टेशन में सबके सामने मेरा कितना अपमान किया। सोचती हूँ तुम्हारे गुस्से के खून खौलने लगता है। लेकिन ये ट्रेन क्यों नहीं जा रही? टाइम तो हो गया है। मैं भी पूछती हूँ। सुनिए। हाँ जी। ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? इंजन के आगे बड़ी एक आदमी सत्याग्रह करके बैठा है, हटाता है तो हटता नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता। हमने पुलिस को खबर दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो छाया, देखते हैं कौन पागल है। अरे बड़ी प्रीतम बाबू, अगर मरना है तो नदी में कूद के मरोनी, और फंदा लगा के नहीं तो लटक जाओ। नहीं तो हमको क्यों लटकाता है? हमारा ट्रेन क्यों डिटेन किया है? अरे प्रीतम बाबू, अगर मरना है तो चालू ट्रेन के नीचे मरो। बैठी हुई ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन के आगे क्यों बैठा? हट जाओ। कौन है वो जंगली बदतमीज जानवर जिसने हमारी टिटे 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 ट्रेन को रोका? गैंगस्टर 913। यस सर। मेरे होटल में तुम कानून में दखल क्यों देता है? कौन ये बदतमीज? हट जाओ यहां से। ए मिस्टर प्रीतम बाबू, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है जो आपने ट्रेन को रोका है। मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना होगा। तो डाल दीजिए हथकड़ी, पहना दीजिए बेड़ी, ले चली मुझे और कर दीजिए जेल। लेकिन पब्लिक को मालूम हो जाएगा कि हम किसी के प्रेम में दीवाने हो गए और आज हमारा ये आलम है। भाइयों और बहनों, मैं आप सब से कहूंगा कि आप सब मिलकर देवी जी से कहिए कि ये हमारी हो जाए और यहाँ रुक जाए। ये रुके तो ट्रेन चले, ना रुके तो हम मरे, हम मरे तो ट्रेन कैसे चलेगी? प्रीतम बाबू, ये आपको क्या हो गया है? इश्क हो गया है आपकी सहेली से। ये तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो रुक जाइए यहाँ पर और हमारी हो जाइए। क्यों,
अब आपको मुझसे नफरत नहीं रही? नहीं क्या, मेरी आंखें मकड़ी जैसी हैं, टांगे लकड़ी जैसी हैं, टेढ़ हाथ का कद है मेरा और मेरी सूरत, बस अब उसे देख देख कर जीना चाहता हूँ, और ये सूरत जैसे कि परियों की शहजादी। I love you, lovely, 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 913? Yes sir. मैं देखते ही समझ गया था कि इन दोनों का आपस में प्यार है। चाल सुहानी, हाय बात रसीली, हाय लगती हो जैसे हाय परियों की शहजादी। चाल सुहानी, हाय बात रसीली, हाय हाय लगती हो जैसे हाय परियों की शहजादी। चाल सुहानी, तो हमको मार ही डाला, देगा गवाही ऊपर वाला, ऐसी नजर से हंस कर देखा, दिल नहीं संभला, लाख संभाला। चाल सुहानी, बात रसीली, हाय लगती हो जैसे हाय परियों की शहजादी। चाल सुहानी, हमसे न रूठो शौक हसीना, बात हमारी मान भी जाओ, नैन की डोरी बांध लो दिल से, हाय नाजुक नाजुक हाथ बढ़ाओ। चाल सुहानी, हाय बात रसीली, हाय लगती हो जैसे हाय परियों की शहजादी। चाल सुहानी, मस्त अदाए रसीली, हाय हाय लगती हो जैसे हाय परियों की शहजादी। चाल सुहानी, नेकलेस तो असली है, कहाँ हाथ साफ किया सफाचट? या चट, हाथ नहीं साफ किया, हम दाढ़ी साफ किया, उसका बदले में ये बख्शीश मिला। ये आ रहा आप खरीदना, आपका जोरू को बख्शीश देना, हमको थोड़ा पैसा देना, मैं जोरू लेके आना। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना चट। अत्ता यनता अवर यनता यपड़ी सुलवे नड़ी। पुलिस स्टेशन, तुम्हारी शक्ल से मालूम होता है कि तुम डाकू हो।
साहब एक बार बोलता साहब आप बुरा नहीं मानना, आपका शक्ल से ऐसा लगता है कि आप गंगा जमुना में वो गुंडे का रोल किया था, आप देखा वो फिल्म? नहीं। क्या विजयंती माला डांस कर रहा है? बताओ बाकी के जेवर कहाँ है? बाकी के वो जेवर कहाँ है? तुम बोलते क्यों नहीं? अरे कैसा बोलना थे आप, बोलता शट अप बात नहीं करना बोलता। ऑल राइट बताओ बाकी के जेवर कहाँ है? एक मिनट ठहरो साहब, घर पर कैसा जी आप? ये इधर भेजिए। ये क्या हरकत है? ये क्या जी, एक मुझे छोटा एक मुझे लंबा, ये कौन है? गधे का बच्चा आपका बाला बना था? मैं अपनी मुझे खुद क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा वो मतलब नहीं जी जो आप समझो, वो मतलब नहीं जी। बताओ बाकी के जेवर कहाँ है? वो बाकी का जेवर आइडिया। आइडिया साहब, हम सोचता वो बाकी का जेवर भी उसके पास ही चुराएंगे। किसके पास? जिसका हम दाढ़ी साफ किया। किसका तुमने दाढ़ी साफ किया? जो हमको जेवर दिया। कौन तुमको जेवर दिया? अरे जिसका हम दाढ़ी साफ किया। शट अप, मैं समझ गया तुम उसी गैंग के आदमी हो। कहा रहता है वो? ये हमको कैसा मालूम जी? आप कैसा बात करता जी? वो गुंडा को हम हमारा घर में नहीं रखेंगे। आप पुलिस, आप भी गुंडे को आपका घर में नहीं रखेंगे। वो डेफिनेटली अपने खुद का घर के अंदर रहता हूँ। बहुत चालाक बनते हो। नाम क्या है? नाम हम सबका बाल साफ करता ना, इसलिए सब लोग हमको सफाचट बोलता। आपको जो तुम्हारा नाम नहीं, उसका नाम। उसका मैं बाप लगता क्या जो आप हमारे से उसका नाम पूछता? What do you mean? I mean not to go viral पानी पतला कोबरा। देखो साहब, इतने गुस्से से बात करेंगे, हमारा भी दिमाग खराब होता, आपका भी दिमाग खराब होता। आप एक जरा ठंडा दिल से सोचो। आप ऐसा सोचो कि आप इंस्पेक्टर नहीं, आप एक तरकारी बेचने वाला है। वो तरकारी लेने के लिए एक ग्राहक आया, बोला चार आने का ककड़ी देना, दूसरा आके बोला आठ आने का बैंगन देना। आप वो ककड़ी और बैंगन वाले का नाम आपको मालूम होगा क्या? फिर आप हमारे से कैसे जी नाम पूछता? Shut up! Shut up क्या जी? तुम समझ गया, मैं बहुत छटे हुए हो, आसानी से जान में नहीं आओगे तुम। ये काय का जाल जी? आप जाल डालता क्या? आप मच्छी पकड़ता? मैं क्या पकड़ता हूँ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। 913 Yes sir। इसको अंदर करो। अंदर बंद करो इसको। साहब एक बात सुनना साहब, हम असल में वो है साहब जो आप समझता कि हम वो नहीं है, और आप जो समझता कि हम वो हम नहीं है साहब। साहब समझता हूँ साहब, कौन हो मैं समझता हूँ। ले जाओ इसको, गाड़ी बनाने को जाएगा साहब, पकड़ के रखना। 913 ये सर, मानते हो हमारी काबिलियत? हम सूरत देखकर बता सकते हैं कि ये मुल्जिम चोर है, उचक्का है या डाकू है। वाह, दाद देता हूँ आपकी अदर की। एक आइडिया आता है। क्या? इस तरह से तो ये कुछ भी नहीं बताया। हमें चाहिए कि हम इसे भागने का मौका दें, बल्कि भागने में इसकी मदद करें, ताकि वो भागे तो सीधा अपने साथियों में जाए और हम वहां जाकर उन सबको गिरफ्तार करें। वाह हुजूर, दाद देता हूँ आपकी तरकीब की। हुजूर अगर आप यूरोप या अमेरिका में होते तो अब तक जरूर पुलिस के कमिश्नर बन गए होते। थैंक यू मगर उसे भगाना आप तुम्हारा काम है। बिल्कुल अभी भगाता हूँ। वेरी गुड।
ही इतना जोर से आवाज करता, या पुलिस हवालदार उड़ गया तो मैं क्या करना। तेरा व्यस्त सफर है, सफाचट की मदद करो। ऐसे कैसे? सीढ़ी ले जाओ, सीढ़ी जल्दी जल्दी जाओ। तुम सफाचट का पीछा करो और जैसे ही वो अपने गैंग वालों से मिले मुझे खबर करो। दांत देता हूं आपकी नैने। शट अप, हरी अप, ओके। आपकी 913 को आने दो तो मैं इस सफाचट के बच्चे को उम्र भर के लिए चक्की ना पिसवा दूं तो मेरा नाम राम सहाय सिंह नहीं। वो धोबी की गाड़ी आ गई। और धोबी की गाड़ी आ गई तो क्या मुश्किल हो गई? धोबी दो दो नहीं सफाचट। ओह माय गॉड, सर 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 होश में आइए सर। मैं होश में हूं। मैं सफाचट के बच्चे, तुम फिर इधर वापस आ गया। हम क्या करना साहब, हम जेल से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं छूटा साहब। ऐसा लगता आपका मेरा कोई पुराना खून का रिश्ता। पिछला जन्म में या तो आप मेरा बाप था, मेरा माँ का मर्द, नहीं तो हम आपका बाबा, आपका माँ। शट अप, शट अप, इस कंबख्त को हथकड़ी डालो, बेड़िया डालो, लॉकअप में डालो। ओह माय गॉड, हाथ क्या पकड़ो? पांव पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ले जाओ मैं। हेलो सरिता, तुम्हें गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने एग्जाम से फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ हूँ। ओह अनिल, आई एम सो हैप्पी, बहुत बहुत मुबारक हो। लो मैं फ्लाइंग किस भेजती हूँ। अच्छा आज शाम को ठीक टाइम पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। अब मेरी दूसरी स्कीम सुनो, जितनी जल्द हो सके अनिल से शादी करके ठाकुर के घर में जम जाऊं, फिर मैं तुम्हारे हाथों से ठाकुर के खानदान की तबाही कर दूंगा। कैसा आइडिया? बिल्कुल।
शिकारी, तुम भी शिकारी, हम भी शिकारी, तुम भी शिकारी, तीर तुम्हारी, आंखें हमारी, हम भी शिकारी, तुम भी शिकारी, तीर तुम्हारी, आंखें हमारी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया। माँ जी की चिट्ठी आई होगी, क्या लिखा उन्होंने? घर वालों ने हाँ कर दी है, ये देखो। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन अनिल, तुमने अपने घर वालों को बता दिया है कि मैं कैबरे आर्टिस्ट हूँ? मैंने माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और सरिता,
तुम्हें जान के खुशी होगी कि अगले इतवार को हम दोनों भाइयों की मंगनी एक साथ होगी। लेकिन इतनी जल्दी? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे माता पिता से मिलना होगा। अनिल, मेरा अपना कोई है नहीं सिवाय एक दूर के भाई के। अब तुम्हारे घर वालों की सेवा करके ही मुझे माता पिता मिलेंगे। और मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं। मैं तैयार रहूंगी। बाय बाय। बहुत खूब, बहुत खूब सरिता, बहुत खूब। आज 25 साल का सपना मेरा पूरा हो गया। क्यों राणा, जैसा तुम चाहते थे वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल, अब मैं ठाकुर को दाद देता हूँ तुम्हारी एक्टिंग की। सरिता, अनिल को पागल करके रख दो। आ जाओ इसी बात में मेरी बाहों में आ जाओ, पिघला के रख दो। प्यारे ये मत भूलो, अनिल की नजरों में तुम मेरे भाई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब इसी बात पर ठाकुर के खानदान की बर्बादी का एक एग्जाम पिए। पंडित ने कहा है कि 15 मई को जो सोमवार पड़ता है वो विवाह के लिए बड़ा शुभ दिन है, आपका क्या ख्याल है? जैसा आपका है भाई। उर्मिला, ठाकुर साहब ने 15 मई शादी की तारीख निकाली, तुम्हारा क्या ख्याल? ठीक है। आपके छोटे बेटे की शादी कहाँ हो रही है? यही हमारे ही घर में, बेचारी के माँ बाप तो रहे नहीं, दूर का एक भाई है। आइए मैं आपके से मुलाकात करूँ। मिस्टर प्यारे जी, इनसे मिलो। ये हैं शरण के पिताजी बैरिस्टर सिन्हा, और ये हैं इनकी धर्मपत्नी। आपकी बहन कहाँ है, जरा हम भी तो देखे उन्हें। जी यही कहीं होंगी, अभी मिलवा देता हूँ। मेरी बेटी भी नजर नहीं आ रही। ये रही दोनों। भाई वाह, ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों लड़कियों में कौन ज्यादा सुंदर है। अंगूठिया कहाँ है? ये लो। लो बेटे। अरे आप। थैंक यू। गुरु जी और उनके भाई जी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आपने इस शुभ अवसर पर आकर हमें मान दिया। सगाई की रस्म पूरी हुई, अब 15 मई को मेरे दोनों बेटों का विवाह है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस दिन भी आकर इन्हें आशीर्वाद दें। ठाकुर साहब बधाई हो। ठाकुर साहब मुबारक हो। ठाकुर साहब, 8 अप्रैल को मेरी बेटी शरण का जन्मदिन है, मैं आप सब लोगों को अभी से इन्वाइट कर रहा हूँ। आप जरूर आइएगा और उस पार्टी की शोभा बढ़ाइए। जरूर। जन्मदिन मुबारक हो। आज नहीं, 7 अप्रैल को है मेरा जन्मदिन, उस दिन खुद आके विश करना। उस दिन विश भी करूंगा। तुम शर्म कहीं के? क्यों भैया, अभी से भाभी के पीछे पड़ गए? भाभी, भैया ने तुम्हें तंग किया तो मुझसे कहना, मैंने सीधा कर दूंगा। रामायण का कुरुक्षेत्र हो जाएगा। वाह मेरे पढ़े लिखे पंडित भाई, माँ भाई को घसी कर रामायण में ले आए। मतलब तो युद्ध से है ना, भाभी को तंग किया तो युद्ध हो जाएगा। ऑन गार्ड। अच्छा बीड़ी एक बंडल। हाँ देता हूँ तेरे लिए बीड़ी। बीड़ी बंडल जल्दी लेकर। बीड़ी पीता है बड़ा नवाब साहब है। चल चल चलो सफाचट अपना राशन लो। आप वेंडा सर। क्या खाना नहीं खाएंगे जी? खाना नहीं खाएगा? लेकिन क्यों? हम रेजर नहीं पकड़ा, हम कैंची नहीं पकड़ा तो खाना कैसा खाएंगे जी? जब तक हम बाल साफ नहीं करेंगे तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता। 5-6 आदमी का मुच्ची बनाएंगे तो मेरा मुंह में पानी आएगा, पीछे खाना खाएगा। तेरी माँ? किसकी माँ? तेरी माँ नहीं जी, तेरी माँ का मतलब समझा क्या? समझा। यह जमादार है? अबे जो जी अमादार नहीं जी, हवलदार। एक ही बात जी, जमादार हवलदार। हम दुआ का कह सकता, गाली कह सकता, जूता कह सकता, आपका हाथ का मार कह सकता, कसम कह सकता, लेकिन रसम नहीं कह सकता जी, खाना नहीं कह सकता। समझा तो समझा, लेकिन तुम लोग क्यों खड़े हो, खाना क्यों नहीं आते हो? जब तक सफाचट खाना नहीं खाएगा हम कोई नहीं खाना। जानते हो भूख हड़ताल करना कानून के खिलाफ है। ये कैसा कानून जी? ये आजम को आजम का सामान नहीं देता, उसका कंगन नहीं देता, कैंची नहीं देता, रेजर नहीं देता। हमको सामान नहीं मिला तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल नेकेड। नेकेड का मतलब नहीं मालूम जी, ये तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं अंगूठा छाप।
देखो जी, नेकेड का मतलब बॉडी के ऊपर कपड़ा नहीं, बिल्कुल नंगा। आपका कपड़ा उतारने का तो कैसा लगेगा? मैं तुम्हारी कहूंगी और रास्तुरा ला देता हूँ, लेकिन वादा करो कि जल्दी वो वापस कर दोगे। हम प्रॉमिस करता जी, दो चार का बाल साफ करके आपको दे देगा। और ये लोग खाना भी खा लेंगे। बोलो जी। वाह, क्या यूनिटी जी। अगर ऐसा यूनिटी अपना कंट्री में रहेगा। कंट्री यहाँ मिलता है क्या? कंट्री वो कंट्री नहीं है, कंट्री बोले तो मुल्क। ऐसा यूनिटी अपना मुल्क में रहेगा तो ये मुल्क का क्या होएगा जी। भाइयों, आप लोग सब मिलकर मेरा साथ दिया, ये खुशी का अंदर, ये जेल से जब भी बाहर निकलेगा ना, मेरा दुकान पे आना, हम आप रेट में आप लोग का काट डालेंगे बाल। ये लो अपनी कंघी और ये लो अपनी कैंची। ये जमादार जी, जमादार नहीं हवलदार जी, हम गवर्नमेंट का कितना काम करता जी। ये फैमिली प्लानिंग में वो लोग बोलता बाल बच्चा कम करो, आधा काम हम करता, बाल हम कम करता, बच्चा आप कम करता। हंसने का बात नहीं जी, हंसने का बात नहीं। गवर्नमेंट का इतना काम हम करता, लेकिन हमको कोई रिवार्ड नहीं, कोई अवार्ड नहीं। किसी हजाम की किस्मत न हो कोटी, कैंची की कमाई की जगह जेल की रोटी। ये इंसाफ हुआ दुनिया से ऐ यार सफाचट, इंसाफ हुआ दुनिया से ऐ यार सफाचट। अब देखिए अयो देखिए कब हुआ है संसार सफाचट, संसार सफाचट, संसार सफाचट। इंसाफ हुआ दुनिया से ऐ यार सफाचट, 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 चट चट। दुनिया में अगर कोई भी हजाम न होता, तब दाढ़ियां रखते कोई गुलफाम न होता। मशहूर जमाने में है हिटलर की जो मूछे, कहीं चीन अगर होती तो ये नाम न होता। कुरुकट भवकट। दुनिया में अगर कोई भी हजाम न होता, तब दाढ़ियां रखते कोई गुलफाम न होता। मशहूर जमाने में हिटलर की जो मूछे, कहीं चीन अगर होती तो ये नाम न होता। अयो करते नहीं मूछों को समझदार सफाचट, अब देखिए अयो देखिए कब होता है संसार सफाचट, संसार सफाचट, संसार सफाचट। इंसाफ हुआ दुनिया से ऐ यार सफाचट, 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 चट चट। अब चांद पे इंसान लगा आया झंडा, ऊपर से ये धरती भी नजर आती है अंडा। बेकार गए चांद पे लिखे हुए गाने, कवियों ही के सर पर पड़ा भगवान का डंडा। फ्रेंच कट, ईपी कट। अब चांद पे इंसान लगा आया झंडा, ऊपर से ये धरती भी नजर आती है अंडा। बेकार गए चांद पे लिखते हुए गाने, कवियों ही के सर पर पड़ा भगवान का डंडा। आयो
यो कर डाला पुनम रात का त्योहार सफाचट अब देखिए अयो देखिए कब होता है संसार सफाचट संसार सफाचट संसार सफाचट इंसाफ हुआ दुनिया से है यार सफाचट 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 रोजी के लिए पहले बहा पसीना अब लखपति होने में लगे एक महीना सरकार ने खोला है जो ये लॉटरी सिस्टम नंबर कहीं लग जाए तो फिर जीना है जीना बिटल कट हीरो कट रोजी के लिए पहले बहाते थे पसीना अब लखपति होने में लगे एक महीना सरकार ने खोला है जो ये लॉटरी सिस्टम नंबर कहीं लग जाए तो फिर जीना है जीना अयो नौ सौ तेरह क्या हो रहा है मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है सर मेरे इस लॉकअप को डांसिंग क्लास और सिंगिंग क्लास किसने बनाया सर ये सारी धमाल सफाचट ने मचाई है सफाचट सर ओ यू सर हम इंसाफ के लिए गाना गाया जी धमाल ने मचाया आपका कसम शट अप देखो इसे ले जाओ और अकेले कमरे में बंद करो और उसके बाद तुम मेरे कमरे में आओ ओके सर सर चल सफाचट मैं अभी बताता हूँ आता भैया बंद कर दरवाजा चल गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग प्रीतम बाबू आज हमारी याद कैसे आ गए मैं सफाचट हजाम से मिलने आया ओ तो आपके हजामत भी वही बनाता है मगर आप तो कानून जानते हैं कि हवालात में होते हुए वो आपकी हजामत नहीं बना सकता मैं हजामत के लिए नहीं उसकी जमानत के लिए आया इंस्पेक्टर जमानत के लिए तो आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी मैं तो उसको यूं भी छोड़ रहा था इसलिए कि असली चोर पकड़े गए हम भी यही सोचते थे कि सफाचट को चोर किस बेवकूफ ने समझा है 913 सर मैं तुमसे कहता था ना कि ये सफाचट एकदम बेवकूफ आदमी है करेक्ट उसकी तो सूरत से नजर आता है कि वो मुजरिम हो ही नहीं सकता हुजूर दांत देता हूं आपकी नजर की थैंक यू आप उसे ले जा सकते हैं जाओ उसको लेके आओ जाओ ओके आइए बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर साहब आप सफाचट को छोड़कर बहुत अच्छा कर रहे हैं क्यों नहीं तो हम सब की दाढ़ियां और बाल इतने बढ़ जाते कि लोग हमें हिप्पी मेड इन इंडिया समझने लगे लाल रंग से डरता जी हम होली तक नहीं खेलता क्योंकि गुलाल का रंग लाल हम पानी नहीं खाता क्योंकि पानी का पीक पीक नहीं मालूम वो थूक लाल होता जी इंस्पेक्टर साहब आप हमको छोड़ेगा ना तो हम उम्र भर आपका हजामत बनाएगा जी डोंट वरी मिस्टर सफाचट ये तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि असली मुल्जिम पकड़ा गया है अयो पकड़ा फिर हमको हार देना जी हार कैसे मिल सकता है वो चोरी का माल है सरकार के पास तो फिर सरकार से वो हार का माल दिलाना जी रोकड़ा ना तुमको माल मिल सकता है ना हार मिल सकता है कैसे नहीं मिलेगा जब उसका दाढ़ी बनाया वो हमको हार दिया ये लो अपना थे थोड़ा मुंडी इधर करना जी ये देखो जी ये तीन दिन में क्या कंडीशन हो गया आपका एक मुच्छी कोल्हापुर जाता है एक सोलापुर जाता है इल्ला नहीं तुमसे कहता था ना कि ये सफाचट का बच्चा एकदम हजाम है वाह हुजूर दांत देता हूँ आपकी नहीं अदर की अनिल बेटे सरिता कहाँ है वो नाश्ता नहीं करेगी माँ वो विजयनगर में नुमाइश लगी है ना उसे देखने गई है रात को देरी से आएगी अनिल तुम क्लब जा रहे हो ना मुझे रास्ते में चिमनलाल की दुकान में छोड़ देना सरिता के लिए एक नेकलेस मंगवाया था अभी तक नहीं आया माँ तुम रहने दो मैं तो जा ही रहा हूँ आते वक्त लेते आऊंगा ओके बाय 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 भैया बाय डैडी बाय कड़क जमीन पे सोने को मिला इसलिए मेरा हाथ भी कड़क हो गया अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए रिपोर्ट किया था
हमको मालूम था तुम चोर थोड़ा ही हो, आइंदा चोरी का माल मत लेना। हाँ जरा हल्का हाथ लगा, हल्का हाथ। हाँ अम्मा चेहरे पहले तेल लगाएगा, बाद में मारेगा हल्का हाथ। अरे सेठ चुनालाल बाबू आइए। इस उम्र में आपको मालिश की जरूरत पड़ गई, पेट में दर्द है क्या? नहीं अनिल बाबू, चेट का पेट में दर्द नहीं है, यह चेट का दुकान का कोई बिल नहीं पटाना, इसलिए सर पटता। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सर तो उनका फटना चाहिए जिनका ये बिल बनाते हैं। अनिल बाबू मस्करी करते हो, जितना हल्का और अच्छा हमारे यहाँ काम होता है बम्बई में किसी सुनार के यहाँ नहीं होता। तुमको बोला रास्ते में हाथ मारो। हमारा नेकलेस तैयार हो गया? जी हाँ तैयार हो गया, लाइए। अरे तुम किधर आता, चल उधर। ये लीजिए नेकलेस। अनिल बाबू आप बुरा नहीं माने तो हम ये हार देख सकते क्या? हाँ देखो, बहुत चमकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका बिल भेज देना घर पे। जी हाँ कल भेज दूंगा। अच्छा बहुत अच्छा हार बनाता है, एक हमको बना के देना, उसका बदले में हम आपका दाढ़ी बनाएंगे फ्री आपका मरने तक। चुप रे। अरे गुस्सा का होता, आपका बेटा का भी दाढ़ी बनाएंगे उसका मरने तक। बोला चुप रे। माँ चमना ज्वेलर के यहाँ फोन किया, उसने बताया कि अनिल सुबह 11 बजे नेकलेस लेकर चला गया, वहां से क्लब पे फोन किया, वहां पे भी नहीं है, वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा। कहीं रास्ते में उसकी गाड़ी ना खराब हो। नहीं गाड़ी खराब हो गई होती है मैं फोन करता, हम दूसरी गाड़ी भिजवा देते। भगवान करे सब कुछ हो, आज सवेरे से मेरे आंख फड़क रही है। जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको एक बहुत बुरी घटना की खबर देनी है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी गाड़ी नदी के किनारे उल्टी पड़ी मिली, गाड़ी में आग लग गई थी और। हाय राम, मेरा बेटा तो ठीक है ना? आप लोग फौरन हॉस्पिटल चलिए। भगवान ने चाहा अनिल बिल्कुल ठीक होगा। माँ माँ चलो चलो। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? I'm sorry, अनिल अब इस दुनिया में नहीं। नहीं नहीं, ये साल से पांच पूरा जल चुका है, आप इसे ना देखे तो अच्छा। मैं देखूंगी, मैं अपने बेटे को देखूंगी। ठाकुर साहब, एक्सीडेंट की जगह पर यह हार मिला है हमें। ये हार हमने सरिता के लिए मंगाया था, लेकिन लेकिन मुझे सोचने दो। अब सोचने से क्या होगा जब अनिल ही मर गया? ठाकुर का एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, अभी दूसरा बेटा तो जिंदा है। मैंने जो सुना वो झूठ है ना? काश झूठ होता बेटी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। प्रीतम जाओ सरिता को संभालो। सबर करो सरिता, सबर करो। अब मेरे लिए जीने को क्या रह गया है? मेरा मर जाना ये ठीक है? नहीं सरिता, अगर आत्महत्या करने से अनिल वापस आ सकता तो मैं कब का अपने प्राण दे चुका हूं। हमें जीना होगा सरिता, यह गम हमें एक साथ झेलना होगा। तुम्हारा गम तो बस इतना ही है ना कि वो तुम्हें छोड़ गया, लेकिन उसने तो मुझे कहीं का ना रखा, मुझे वो पापी बना गया है। पापी? मैं ये बात नहीं बताना चाहती थी क्योंकि यह अनिल का राज था, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सरिता ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ जी हाँ, अनिल तो चला गया है, लेकिन मैं आप लोगों के नाम को कलंक नहीं लगने दूंगी, मेरे लिए मरना ही ठीक है। नहीं बेटी नहीं, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। नहीं बाबूजी, मुझे मरने दीजिए, इसी में मेरी मुक्ति है। बेटी तुम्हारी ये विपत्ति हम सब की विपत्ति है, हम सब तुम्हारे साथ मिलकर इसे सहेंगे, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
हिम्मत नहीं हारा करते बेटी, हिम्मत नहीं हारा करते। प्रीतम, दिल कड़ा करके एक बात कहने लगी हूं बेटे, मुझे निराश मत करना। मैं जानती हूं मेरी बात मानने के लिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, फिर भी मजबूर हूं बेटे। बेटा तू सरिता से शादी कर ले। माँ? हाँ प्रीतम, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसी से हमारे खानदान की इज्जत और सरिता की लाज बच सकती है, और इसी से मुझे अपने अनिल की आखिरी निशानी। ये कैसे हो सकता है माँ? सरिता अनिल की है, अनिल तुम्हारा अपना खून, मेरा सगा भाई। अनिल मेरा खून जरूर था बेटे, मगर वो तुम्हारा सगा भाई नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ प्रीतम, हम अपने जीते जिए राज न खोलते, लेकिन आज बताना पड़ रहा है। तुम हमारी औलाद नहीं हो, मेरी बहन की औलाद हो। मैंने मरते समय तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर पालूंगी। वो नहीं चाहती थी कि उस मनुष्य डाकू की छाया भी तुम पर पड़े जो तुम्हारा बाप था। डाकू? डाकू ही नहीं, वो खूनी भी था। उसने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए थे बेटा। माँ, जब से मैंने आंख खोली मैंने आप दोनों को ही माँ बाप के रूप में देखा। आपके प्यार के सहारे तो मैं इतना बड़ा हूँ। उसी प्यार का कर्जा चुकाने के लिए कह रही हूँ बेटे। माँ की बात रखने से तो जीवन सफल होता है माँ, इसमें कर्जा चुकाने की बात कहाँ आती है। जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं सब कुछ शरण से कह सकूं और वो इसे सह सके। देखो बाहर खड़ी हो, कैसे प्रीतम की कार आ जाए मुझे बताना, फिर हम वही करेंगे जो हमने सोचा। जा जा जल्दी, फिर कोई शरारत सोची है क्या? करने दो शरारत, यही तो हंसी मजाक की उम्र बेटी। ये तुम्हारी पार्टी है, जो जी मैं आए सो करो, क्योंकि हो सके तो छेड़छाड़ का थोड़ा सा चस्का अपनी माँ को भी लगा दे। शादी के बाद से बिल्कुल जोगन हो। बाल सफेद हो गए आपके, अभी छेड़छाड़ से बाज नहीं आते। यार से छेड़ चली जाए ऐसा, अगर नहीं हुआ तो हसरत की सही। शरण, प्रीतम आ गया, प्रीतम आ गया। अरे चलो चलो, बेल आ रही है, बत्तियां बुझा दे। शरण, शरण, शरण कहाँ? शरण दिल के अंदर है, निकाल लीजिए, लेकिन देखिए दिल ना टूटे। मैं इस वक्त मजाक करने के मूड में नहीं। तो तोड़ दीजिएगा दिल। हंसी है जिंदगी।
नहीं शरण, मुझे तुमसे कुछ कहना। अंदर चलो। ओह, मामला बहुत गंभीर नजर आता है। चलो। शादी कब हो रही है सिन्हा साहब? अगले महीने की 15 तारीख तक करने का इरादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अपने खानदान की इज्जत और उस लड़की की लाज रखने के लिए अब मुझे उससे शादी करनी होगी। नहीं प्रीतम, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ शरण, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। तुम्हारे लिए ही रास्ता है शरण, मुझे भूल जा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। भूल नहीं होगा शरण, इसके सवार कोई चारा भी तो नहीं। क्या मैं अपने माँ बाप को भूल सकती हूँ, भगवान को भूल सकती हूँ? अगर नहीं तो मैं तुम्हें कैसे भुला दूं? तुम अपने फर्ज के रास्ते पे चलकर इंसानों से ऊपर उठकर देवताओं तक जा पहुंचे हो, और अब मुझे कहते हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? आज तो तुम मेरी नजरों में और भी ऊंचे उठ गए। जो तुम कह रही हो उसका मतलब समझती हो शरण? हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर मेरा इंतजार करना पड़े। तुम्हारे प्यार का सहारा हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मेरे ऊपर मुसीबत का ये पहाड़ करना टूटा होता, तुम्हारे प्यार की इस आपशा का मुझे पता ना लगता। महान हो तो मैं कदमों में झुक जाने को जी चाहता। Love you, I love you। तुम अपने घर वालों से क्या कहोगी? तुम जा, मैं उन्हें समझा लूंगी। अरे तुम लोग यहाँ अंदर, प्रीतम कहाँ जा रहे हो? शरण बेटे, प्रीतम कहाँ गया? पापा, मेहमानों से कह दीजिए कि पार्टी खत्म हो गई। पार्टी खत्म हो गई? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? पापा, thank you।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी सुहागरात मनाने आई हूँ। इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे प्रीतम, आज उन सबको पूरा करना है। सरिता जाओ कपड़े पहनो। कम डार्लिंग, आज की रात भी कोई शर्म करता है। चलो। नहीं सरिता, मेरा तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए, वरना आपस में हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी शादी इसी शर्त पे हुई थी। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद पत्नी का जो रिश्ता पति के साथ हुआ करता है उस पर अब मेरा अधिकार है। कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें उस नजर से देख भी नहीं सकता। तुम मेरे भाई की अमानत हो, हम सब घर वाले तुम्हें उसी रूप में देखते हैं। चली जाओ यहां से और कसम खाओ कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगी। मैं ऐसी बेकार की कसम क्यों खाऊं? किसके लिए? अनिल के लिए, जिससे मैंने कभी प्यार नहीं किया? प्यार तो सिर्फ तुमसे किया है सरिता। हाँ प्रीतम, तुम सच जाना चाहते हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। नहीं नहीं नहीं। और सुनना चाहते हो? अनिल को तो मैंने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो सब झूठ था। अनिल से मुझे नफरत थी। ये झूठ मैंने तुम्हें अपनाने के लिए बोला था। तुमने मुझसे झूठ बोला हा? क्या करती? मैं जानती थी तुम शरण से प्यार करते हो और मैं हर हालत में तुम्हें जीतना चाहती थी। तुम एक अच्छे आदमी साबित हुए, अब एक अच्छे पति बन के दिखाओ ना। कभी नहीं। औरतें तो प्यार में अपनी जान तक दे देती है। मैंने तो तुम्हारे प्यार में जरा सा झूठ ही तो बोला था। आओ, सुहागरात में गुस्सा नहीं करते डाली, प्यार करते हैं। गुस्सा करने को तो सारी जिंदगी पड़ी है। तो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये पलंग मेरा है। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो अकेली इस कमरे में मर। डार्लिंग, दरवाजा खुला ही रहने देना, शायद रात किसी वक्त तुम्हारा लौटने को दिल करे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस कर बेटे, बस कर, मुझे और कुछ न पता। मैंने तेरा जीवन नरक कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी। धिक्कार है मुझ पर। अनिल मुझसे मरकर छूटा और तुझे मैंने जीते जी दान के आगे झोंक दिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। तुम जैसी माँ तो जन्म जन्म की तपस्या से मिलती है। तुम ठीक कहते हो प्रीतम, ऐसी माँ तो बड़ी तपस्या से मिलती है। मुझे भी इनके चरण धो धो के पीने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हम दोनों को पति पत्नी बना दिया। निर्लज, निकल जाए यहाँ से, मुंह काला कर अपना। ससुर जी, घर की लक्ष्मी से भी कोई ऐसा सलूक करता है, और फिर मैं इस घर से क्यों जाऊं? घर तो बहू का होता है ना, सास ससुर का क्या? आज मरे कल दूसरा दिन। बर्दाश्त कमीनी। तुम गुस्सा करते हो तो कितने हैंडसम लगते हो। हाय, रंग और भी लाल लाल हो जाता है। बाय डाले, आओ प्यारे। मैं कोर्ट में कह सकता हूँ कि उसने झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। उसने मेरे सर्गवासी भाई को बदनाम किया, मेरे खानदान पर कीचड़ उछाली है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जिसे तुम उसका बयान कहते हो वो अदालत में उससे फिर सकती है, उससे साफ इनकार कर सकती है। क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी? सबूत नहीं है। अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। वो अदालत में ये कह सकती है कि तुम तलाक लेना इसलिए चाहते हो ताकि शरण से शादी कर सको, और चांसेस ये हैं कि अदालत उसकी दलील को मान लेगी और तुम्हारे केस को रद्द कर देगी। लेकिन पापा वो झूठी है। मैं मानता हूँ, इसलिए तो मेरी हमदर्दी प्रीतम के साथ है। लेकिन प्रीतम, ये केस तुम जीत नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रीतम, तुम्हें फंसाने में उसका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा। इसलिए वो तुमसे जितना भी रुपया मांगे उसे दे दो, सिर्फ यही तरीका है उसे छुटकारा पाने का। ये भी कर देखूंगा। नमस्ते प्रीतम। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू शरण।
तुम उन औरतों में से जिनका दिल ममता से प्यार से दया से छलका पड़ता है। और एक औरत सरिता भी है। औरत आग के समान होती है, वो रोशनी भी देती है और जला भी डालती है। तुम जितनी खूबसूरत हो तुम्हारा सोचने का ढंग भी उतना ही खूबसूरत। ये सब तुम्हारे प्यार की देन है। बाय बाय। बाय बाय। देखो सरिता, तुम्हारी चाल हम सबके समझ में आ गई है। तुमने हमारी दौलत हासिल करने के लिए ये चाल फैलाया था। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो और इस घर से दफा हो जाओ। बात ससुर जी, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। हिंदुस्तानी औरत की तो डोली ससुराल आती है और अर्थी वहां से जाती है। मुझे तलाक देने का क्या लोगे? लाख दो लाख तलाक एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा सुनना भी पाप है। डाले, इस जन्म में तो क्या, मैं तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए कि अपने हाथ छोड़ दे और मेरे पति बन के रहे। आखिर मैं इनसे ब्याहता हूँ। दलील औरत, तू समझती कि मैं तेरे स्कीम से निकल नहीं सकता? अगर मैं अपनी जान ना बचा सका तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। आयो आयो, पाप महापाप। हम सरिता देवी को बहुत अच्छा औरत समझता था गैंडा सिंह। अच्छा हुआ आप हमको बता दिया, वो बहुत घटिया औरत। उस डाइन ने तो उस घर को बर्बाद कर दिया सफाचट। अच्छा काम नहीं किया जी। आप प्रीतम बाबू को बोलना, रात का 12 बजे भी हम उसका मदद करने के वास्ते तैयार हैं। हम उसके वास्ते अपना जान भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं चलूं सर। वड़क पोस्टमैन। तुमको क्या करने का जी, बाल कटाने का या दाढ़ी कटाने का? अरे हमको कुछ नहीं कटवाना, तुम्हारे लिए चिट्ठी लाया। हमको कौन चिट्ठी लिखेगा जी? कहीं गवर्नमेंट हजाम लोग पे टैक्स तो नहीं लगाने को लगा? हमको पढ़ने को नहीं आता जी, आपको पढ़ के सुनाना। पढ़ना नहीं आता? पढ़ने को आता होता तो हम पोस्टमैन नहीं बनता। अच्छा अच्छा। प्रिय सफाचट। प्रिया? गवर्नमेंट हमको प्रिया बोलता? का भुड़कड़िया। अरे चिट्ठी गवर्नमेंट ने नहीं, गौरी ने भेजी। तो आज तक पहले काय को नहीं बोलता जी? गौरी, मेरा गौरी जरा प्यार से पढ़ना जी। प्रिय सफाचट। हाँ जी बोलो मेरा जान। मैं जानती हूँ तुम मेरी तरफ से परेशान हो रहे हो। हाँ बाबा मुझे यहाँ जमालपुर ले आए हैं और म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मुझे नर्स बनवा दिया है। मैं सोते जागते तुम्हारी यादों में खोई रहती हूँ। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सफाचट। गौरी गौरी नहीं, नहीं करे ना अयोग्य गौरी। अदु तप्पू गौरी, अदु तप्पू ना। उन्हें काद नहीं करे गौरी, काद नहीं करे, काद नहीं करे। अरे 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 अरे, क्या कहता है? हम तुम्हारे गौरी नहीं, हम पोस्टमैन है। इतना गंदा बात आया, हम फिर भी तुमको गौरी समझा जी। माफ करना, आगे पढ़ना जी। मैं शादी करूंगी तो तुमसे, लेकिन बाबा कहते हैं सफाचट जेल हो आया है। उस बदमाश का नाम मेरे सामने लिया तो मेरे जीती जी मैं उस लफंगे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अगर तूने यहाँ से चिट्ठी लिख के पता बताया तो मैं गला घोट दूंगा। ये बेवड़ा, तुम क्या मेरा गला घोटेगा? हम तेरा गला घोटेगा। बोल बोल सबके मैं पोस्टमैन हूँ। क्या करता है? माफ करना। ले अपना चिट्ठी। हम छोड़ देगा, हम छोड़ देगा। माफ करो जी, माफ। गौरी गौरी गौरी, हम आता गौरी, हम जमालपुर आके तेरा बाप को जमाल गोटा खिलाता। छोड़ेगा नहीं। कैसा पाड़ेगा जी? एड्रेस में मांगता ना। ठीक है गौरी, जमालपुर कौन सा पूरा? गौरी ये गौरी, ये बहरा हो गया, सुनता नहीं। गौरी गौरी, हम तुम्हारा चिट्ठी को तार समझ के गद्दा का गद्दा नहीं घोड़े का माफक बात किया है। शू शू क्या करते हैं? कौन हो तुम? तेरा बाप? अयो डॉक्टर साहब, हम अज्जाम। ये कैसा मुच्छी बनाता जी आप? एक बाल इधर लंबा, एक बाल। मेरा नाम सफाचट। सफाचट वो
भूत, ये गौरे बचा रहे ये भूत। ये सफाचट, होश में आओ, ये भूत थोड़ी है। सिस्टर ठीक कहती है सफाचट, मैं भूत नहीं हूँ। आप भूत नहीं, आप मरा नहीं जी, आप जिंदा। यह गांव वाला समझता आप भगवान के पास चला गया, आप मर गया। कितना रोता वो लोग, हम भी कितना रोता जी। आप जिंदा करके गांव में खबर क्यों नहीं किया? बोलो जी बोलो। कैसे बोलता सफाचट, एक्सीडेंट के 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अखबार में पढ़ा कि भैया ने सरिता के साथ शादी कर ली। भैया को मैं कितना महान समझता था, और मेरे माँ बाप ने भी चुपचाप ही अंधेर होने दिया। और फिर तू कहता है कि मुझे अपने जिंदा रहने की खबर भेजनी थी। मुझे तो उनके जिक्र तक से नफरत हो चुकी है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे लिए सब मर चुके। कौन मर गया, क्या बात करता आप, सब उल्टा बात समझता। प्रीतम बाबू ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया आपका इज्जत बचाने के लिए मालूम। मेरी इज्जत बचाने को या अपनी हवस पूरी करने को? अयो यो पाव, ऐसा बात नहीं करना अनिल बाबू। प्रीतम बाबू तो देवता आदमी, आपका मरने का खबर सुनने के बाद वो सरिता घर में आके झूठ बोला कि आपका बच्चे का मां बनता। आपका इज्जत के वास्ते, खानदान का इज्जत के वास्ते प्रीतम बाबू उससे शादी बनाया। प्रीतम बाबू अपना खुद का और शरण का दोनों का जिंदगी आपके वास्ते बर्बाद कर दिया जी, बर्बाद कर दिया। सरिता इतनी जलील औरत है, मुझे पता नहीं था। वो सरिता के बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं, पहले आप ये बताओ वो नेकलेस लेके आप किधर गया, घर क्यों नहीं आया? सफाचट, जब मैं नेकलेस लेके निकला थे ये लोग? पता नहीं, मेरी कार रोककर मुझे लूटना चाहते थे। आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल तक ले चलता हूँ, जमालपुर यहाँ से दूर नहीं। आइए। डेड बॉडी को वो लोग आपका डेड बॉडी समझा? मैं उधर से गुजर रहा था, इन्हें नदी के किनारे जख्मी और बेहोश पड़े पाया, मैंने यहां उठा लिया। 3 दिन के बाद इन्हें होश आया भी तो ये बात करने के काबिल नहीं थे। वार्ड बॉय जब मेरे लिए नाश्ता लाया तो उसके हाथ में अखबार था जिसमें मैंने भैया की शादी की खबर पढ़ी। मैंने भैया के बारे में कितना गलत सोचा। आप लोग कुछ भी बोलो जी, इधर आके हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हम सरिता का बांध फोड़ दिया। सरिता, मैं तेरी स्कीम कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। प्लीज कम योरसेल्फ, आप लोग मेहरबानी करके ये बाहर जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा चलो दौड़। डॉक्टर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मेरा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। लेकिन आप अभी अच्छी तरह ठीक नहीं हुए, प्लीज मैं आपको जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? यह भगवान, यह फैमिली को बचाना चाहिए। गौरी, प्रीतम बाबू के लिए मेरा दिल रोता। मालूम उनके बारे में तुम्हें बड़ी फिक्र है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। जानते हो बाबा मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर रहे हैं जिसके पहले ही 3 बच्चे हैं। सफाचट, अगर तुमने जल्दी कुछ न किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये आत्महत्या डेफिनेट है। क्या? तुम्हारा नहीं जी, तुम्हारा बाप का। यह सफाचट का नया आइडिया, चलना तुम।
लेडी जेंटलमैन, आप दोनों में से धुलिया कौन है? मेरी बेइज्जती करते हो। मैं धुलिया लगता हूँ, वो गधा सामने बैठा हुक्का पी रहा है। Oh, I'm sorry. इधर आइए डॉक्टर साहब, आप इस गधे के मुंह क्यों लग रहे हैं? You are right. हमको तुम्हारा मुंह लगना मानता था। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा बेटी। हाँ? और मेरे वास्ते नहीं, एक बुड्ढा के वास्ते जो दो घंटे के अंदर मरने वाला है। वो शादी करके अपना विधवा के नाम पे 2 लाख रुपया छोड़ के जाना मांगता है। 2 लाख? बीवी के नाम पे या विधवा के नाम पे? तुम गधा हो के आदमी के माफक बात करता है? अरे वो बुड्ढा 2 घंटे में मर जाएगा, फिर वो बीवी विधवा बन जाएगा ना। काश आज मेरा कोई बेटी होता तो हम शादी उसका करा के 2 घंटे के अंदर लखपति बन जाते। लखपति तो मैं भी बन सकता था, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरे बेटी की शादी तय होगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी चलेगी क्या? चुप कर दे, तू क्यों बीच में बकबक कर रहा है? कोई बात नहीं, एक ही बात है। ओके, हम दूसरा छोकरी ढूंढने को जाता। ठहरिए ठहरिए डॉक्टर साहब, वो बुड्ढा बच तो नहीं जाएगा? नो, अब तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम मेरा 5 मिनट बर्बाद किया, अब वो बुड्ढा के मरने में सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट रह गया है। देखो तुम जल्दी करो, मेरे को उसका पोस्टमार्टम भी करने का, जल्दी। मंजूर 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 है। गौरी, परसों तुम्हारे होने वाले ससुराल से शादी का जुड़ा आया है, वो जल्दी पहन लो। 1 घंटा 55 मिनट में हम लखपति बन जाएंगे। उसमें भी 2 मिनट 15 सेकंड खमती हो गया। गौरी कमन हरी, आप जल्दी। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बुड्ढे शादी नहीं करूंगी। गौरी जल्दबाजी मत करो, आंखों खोलो, समझने की कोशिश करो, अपना हाथ से अपने पैर पे खिलाड़ी मत मारो। मेरा ये हाथ इस बुड्ढे को, अनिल उस बुड्ढे को काटने के लिए ये हाथ ऐसा थड़प रहा है जैसे कोई हजाम का हाथ दाढ़ी काटने को थड़पता है, समझे? अरे मैं गौरी को समझाता हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेगी। ठीक है बाबा, अगर तुम चाहते हो कि मैं 2 घंटे में ही सुहागन से विधवा बन जाऊँ तो मुझे मंजूर है। आइए पधारिए पधारिए। देखो केनिया आ गया। केनिया नहीं हजूर, कन्या कहिए। वो एक ही बात है। धुलिया, तुम तुम्हारा छोकरी को लेके अंगार के पास बैठो, हम पुरोहित को लेके जाता है अंदर और तुम्हारा होने वाला दामाद को अंदर लेके जाता है। क्या? अंदर नहीं, बाहर लेके जाता। कम ऑन पुरोहित। गौरी, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। लखपति, लखपति। आइए दुलिया जी, अपने होने वाले दामाद को देख लीजिए। बेटी बैठो, मैं 2 लाख देख के आता हूँ। हरिओम। आइए। हरिओम। सेठ जी आंखें खोलिए। अरे खोल के क्या करूं, कन्या आ गई। आई देखो, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत लौंडिया है, लेकिन इसके मुंह पे ये काला काला क्या है? सेठ जी ये कन्या नहीं है, कन्या जी के पिता हैं, आपके होने वाले ससुर। ऐसा ऐसा तो प्रणाम ससुर जी, माफ करना, उम्र के साथ साथ नखरे भी जा रही हैं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इनकी चीर फाड़ का इंतजाम करने गया है। पूरे 1.25 घंटे बाकी रह गए जी। हाँ। यमदूत सराने खड़ा है, जल्दी करो। अच्छा, मैं इसको संभाल, मैं भी जाता इंतजाम करने, आप इन्हें लेके आइए। मेरी एक शर्त है, शादी के पहले 2 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। 2 लाख? हाँ। तुम्हारे 2 लाख मेरे पास है बेटा। बेटा? बेटा नहीं बाप। हाँ? बाप नहीं ससुर। मेरे नीचे है। हाँ? गर्म करके रखा, उन्हें काम दो। लेकिन ससुर जी, मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक प्राण न निकले। कौन सा प्राण? मेरे माला प्राण नहीं ससुर जी, जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक तुम ये बक्सा नहीं खोल सकते। अगर खोलोगे तो मैं भूत बन के तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता रहूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाता हूँ कहाँ? अब मेरे में ताकत कहाँ है कि 7 फेरे पूरे लूं? सिर्फ एक ही फेरा ले सकता हूँ, बाकी 6 तो तुम पर चढ़ के करूंगा। 2 लाख मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे बाप? बाप नहीं, नहीं बेटा। बेटा नहीं, नहीं मेरे जवाई। हाँ जवाई, उठाओ। हे राम, सत्य है। हे राम, सत्य है। गैस लेकर आओ, न तो 1/2 घंटा पहले चला जाऊंगा। पंडित जी, हुकुम करो, जल्दी कीजिए।
सब काम में देर नहीं होनी चाहिए। कन्या भगवान का नाम लेके उठ जाओ, तुम्हारा बार आ गया। आओ महाशय जी, मैं श्लोक बोलता जाऊंगा और तुम इस पवित्र अग्नि के आगे साथ फेरे लगाना बेटे। दूल्हा आ गया, जल्दी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है मैं आधा घंटा पहले जाऊंगा। अच्छा होगा, 2 लाख रुपए जल्दी मिल जाएंगे। आप आगे हो जाए, कन्या को पीछे कर ले। मेरे चरण को अग्नि से समान लो। राम 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 राम। ससुर जी हेलो हेलो। अब सातवां फेरा मैं खुद लूंगा, क्योंकि नहीं तो आपकी भी शादी मेरे साथ हो जाएगी। मेरा गैस का सिलेंडर कहाँ है? दिखाई नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, अब भी है, अब भी बाकी है। गौरी संभालो, भारी है। सत्य है, नहीं जा रहा है, लेकिन चलूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा सूर जी, अब भी जवानी बाकी है, मोटके फूट रहे हैं। हाँ जी, अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। मुबारक बेटी, सदा सुहागन रहो। दिखाई नहीं दे रहा। सर जी आगे इनको हार पहना रहा हूँ। मुबारक मुबारक। चलो प्यारी। प्यारी नहीं, प्यारी उधर। ठीक है, बाप नहीं तो बेटी। चलो प्यारी, सुहागरात मनाए। दिन में सुहागरात। देखो बेटा, बेटा नहीं मेरे बाप, बाप नहीं मेरे ससुर। मेरी उम्र के लिहाज से तो दिन रात एक ही है। चलो प्यारी, चलो। ठहरो बेटी। बाबा, अब मैं कैसे ठहर सकती हूँ? तुमने मेरे साथ फेरे जो इनके साथ करा दिए हैं, अब तो यही मेरे सब कुछ है। चलो प्राणनाथ। क्या कहा? प्रेमनाथ? प्राणनाथ। चलो चलो पहले। बाबा के पाँव नहीं छुओगे? जरूर छुएंगे। अरे ये तो मेरे हैं। तो बाप क्या कहा है? भगवान करे तुझे आधा घंटा पहले ही मौत आ जाए। चलो प्यारे। दरवाजा मानना। देखा गौरी, हम कबाब में से हड्डी को कैसा निकाला जी। आओ स्वागत मनाएंगे। क्या बोल रहे हो बाबा? बाहर बैठे। या बाप बाहर नहीं बैठेगा तो क्या अंदर बैठेगा? तुम आ जाओ। ये क्या पैक हो जी? पैक आज आज। उठा धोखा। नहीं नहीं, चेक लगता है। चेक देखिए, पढ़िए कितने का है। 2 लाख का है। 2 लाख? हाँ है तो 2 लाख का, लेकिन है कंगाल बैंक का। गोपाल बैंक? गोपाल बैंक नहीं, कंगाल बैंक। कंगाल बैंक। हाँ, और इसमें लिखा है। क्या लिखा है? ससुर जी प्रणाम। सफाचट। आपका जवाई सफाचट। प्रीतम, तू मेरा गला ही गूंथने लगा था। क्या पैसों के लिए मैं अपनी जान दे दूं? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? प्रीतम के हाथ से बचकर तो तुम आ गए, लेकिन मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? राणा साहब, वो प्रीतम बड़ा खतरनाक आदमी है। तुम बकवास बंद करो, मैं आज ही रात इसे विधवा बना देता। क्या मतलब? जब प्रीतम ही नहीं रहेगा तो तुम विधवा नहीं हो जाओगे, और फिर ठाकुर की जायदाद में से प्रीतम के हिस्से की तुम अकेली मालकन होगी। तुम्हारा सुहाग उजाड़ने का सेहरा मैं अपने सर लेता हूँ। सरिता ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। सरिता ने जब तुम्हें तलाक देने से इनकार कर दिया है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे घर आओ या मेरी बेटी से मिलो। मम्मी तुम चुप रहो। देखो प्रीतम, शरण मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसका जीवन यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुमने अपनी जिंदगी नर्क बना दी है, मैं शरण को तुम्हारे साथ इस नर्क में नहीं झोंक सकती। सरिता तुम्हारी ज्ञाता है। जानती हैं कि सरिता से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये तो तुम कहते हो ना, दुनिया तो ये नहीं मानेगी, और मुझे दुनिया में रहना है। शरण का अब तुम्हारे साथ मिलना जुलना भी पाप है। नहीं, मैं अब तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपकी बेटी की बदनामी हो। आप एक ध्यान रखें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा। हाँ शरण, इसी में तुम्हारी भलाई। याद है मैंने कहा था मुझे भूल जा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। ठीक ही कहा था मैंने, मुझे माफ कर देना शरण। अब मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, फिर कभी नहीं मिलूंगा।
सरिता, सरिता तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सरिता, नहीं छोड़ूंगा। बेटी तुम भी तुम रोको, वरना ये जरूर कुछ कर बैठेगा। तुम इसे रोको। तूने क्या कर दिया? प्रीतम, मैंने ये खून नहीं किया, सरिता को किसी और ने कत्ल किया। किसी और ने? तो मेरे हाथ से बच गया, मैं उसे मारने वाला था कि लाइट ऑन हो गई, सब लोग बाहर आ गए और मुझे भागना पड़ा। राणा साहब, राणा साहब, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बात है? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ राणा साहब। अरे बकू भी कुछ, क्या बात है राणा साहब? बात यह है कि जब मैं सरिता के साथ उसके बेडरूम में गया तो प्यारे, प्रीतम का कांटा निकलेगा तभी तुम और मैं बेफिक्री से रह सकेंगे। हाँ, प्रीतम को चलता करने के बाद हमें किसी का भी डर नहीं, क्योंकि मुर्दे तो लौट कर आते ही नहीं। कभी कभी मुर्दे भी लौट के आते हैं। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? अरे तुम जिंदा हो? हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूं, और फिर अभी तो मुझे अपने भाई को तुझ जैसी जलील औरत के झाल से निकालना है, फिर मैं कैसे मर सकता था? मरना तो तुझे है। प्यारे! मुझे मारोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। दुनिया वालों के लिए मैं मर चुका और मुर्दे को कोई फांसी नहीं चढ़ाता। तो फिर तुमको मुर्दा ही रहना पड़ेगा, और तुम्हें मारने की मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा, क्योंकि मरे हुए को मारने पर किसी को फांसी नहीं लगती। Thank you.
के मरने का मुझे बहुत अफसोस है। बड़े काम की लड़की थी, ठाकुर के खानदान से बदला लेने का मेरे पास एक ही जरिया था। अनिल कहाँ है? उसे मैंने साथ वाले कमरे में बंद करके रखा, उसे मेरे पास भेज दो। अब मैं इसी के हाथ से चिट्ठी लिखवा कर इसके बाप को भेजूंगा। मरे हुए बेटे को जिंदा पाकर ठाकुर सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। वाह राणा साहब वाह, क्या स्कीम बनाई आपने। अनिल भैया, फिक्र न करो प्रीतम, हम अभी पुलिस को लेके आते हैं। बाबू देखो बहुत अच्छा खबर दी आपका बेटा अनिल बाबू। मालूम है लेकिन इस बार अनिल की जान खतरे में है। समझ तुम भी हमारे साथ आओ। अनिल का क्या खतरे में? जान आदमियों को लेकर अनिल का पीछा करो और कुछ आदमियों को मेरे साथ भेज दो। मैं अभी प्रीतम को देखता हूं। निपटता हूं। अब तुम्हारे खून से हाथ रंगने की जरूरत नहीं। ये आती हुई ट्रेन मेरा परसों का बदला चुकाएगी। आगे नहीं तो गोली मार दूंगा। नमरत अपने बेटे को अपने हाथों में मारना चाहता है। ठाकुर, तेरा बेटा तो रुक्मिणी के साथ ही मर चुका था। तुम्ही ने तो बताया था। मैंने झूठ बोला था। अब तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने सुहाग की सौगंध खाती हूँ। प्रीतम तुम्हारा बेटा है, छोड़ दो इसे। नहीं, ये झूठ है। प्रीतम तुम्हारा बेटा है। एक माँ अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सुहाग की झूठी कसम खा ले। नहीं राणा, नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पिस्तौल नहीं प्रीतम, नहीं। हट जा मां, ये पाप मैं नहीं होने। हट जा मां, बेटे के हाथों पाप की हत्या नहीं होने दूंगी। तो क्या प्रीतम मेरा बेटा है? प्रीतम मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अनिल कहाँ है? Thank you.
तैयार है मां। अनिल मेरे बेटे, अनिल मेरे बेटे। बहन सब प्यारे, मैं तुम्हें सरिता के खून के जुर्म में पुलिस के हवाले करता हूं। हेलो देखो, नहीं तो गोली मार दूंगा। आ तू पर वॉलेस गोले मारता, मैं तेरे को गोला मारता। खबरदार मेरे पापों का कुछ तो प्रायश्चित हुआ। आज मैं अपने बेटे की गोद में जान दे रहा हूं। प्रीतम मेरे बच्चे बेटे बेटे मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा। इंस्पेक्टर साहब, इसको दो बार पास ही देना जी। वाई? एक तो इसने सरिता का खून किया और अब देखो ये ताजा ताजा राणा साहब कभी खून किया। यस यस करेक्ट करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काय का जी, ये सफेद बाल में काला बाल, ये बुढ़ापे में जवानी कैसा जी। ठहरना ठहरना जी।